आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।
Pujo Gusti Allah, Pujo Allah.
श्री चिंतामणी पाशकार भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान स्वामी श्री पुण्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य सागर जी महाराज की। आइएगा, चले चलते हैं उस दिव्यात्मा की ओर। ये हमारे पुनीत भाई पूरा प्रोग्राम अकेले संचालन कर रहे हैं, सभी साथी और मेरे साथ। और श्री सतीश जैन जी तेवर, इन सभी मानवों से अनुरोध है कि जो जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अतिशीघ्र आएं और भगवान पार्श्वनाथ की उस मनोहारी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य है। श्री किशोर जैन जी सिंधनाई दिल्ली, श्री विजय जैन जी पानीपत, और भाई अमित जैन सिद्धार्थ फर्नीचर मुजफ्फरनगर, श्री अमित जैन जी सिद्धार्थ फर्नीचर मुजफ्फरनगर। अगर न मिलते इस जीवन में
इसी श्रृंखला में एक और नाम हमारे बीच आता है जो वास्तव में आयु की सीमा को पार कर चुके हैं जब केवल और केवल बिस्तर की ओर ध्यान होता है। आदरणीय श्री अरुण जैन जी एलोकेट जो मेरठ से हमारे बीच है, एक बार जोरदार ताले बजाइएगा उस शख्स आगे की ओर जाएं, उस शख्स के प्रति जो कदम से कदम मिलाकर प्रारंभ से लेकर आज तक, आज तो पुण्य स्थली की अपनी एक पहचान बन चुकी है। प्रारंभ में जब पुण्य स्थली को कोई नहीं जानता था, जब भी इन्होंने जैसा ही वो देख रहे कमजोर से कमजोर दिखाई नहीं, अंदर से बहुत मजबूत है। देखिये गुरुवार का पूर्ण आशीर्वाद है, इन्हें गुरुवार कह रहे हैं कि देखने में कमजोर लग सकते हैं लेकिन इनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सभी कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करते हैं जोरदार तालियों के माध्यम से। आइएगा चले चलते हैं आगे की ओर। हमारे बीच इस कार्यक्रम का संपूर्ण प्रसारण जिनवानी चैनल पर होना है और उसके पुण्याजक परिवार जो है वो पुण्य नमोस्तु गुरुभक्त श्री नितिन जैन, श्रीमती रेणु जैन पीतमपुरा दिल्ली, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से उनका भी बहुमान करें। इसी श्रृंखला में मीडिया की विशेष भूमिका आज के कार्यक्रमों में रहती है। तीर्थंकर चैनल हमारे बीच है और तीर्थंकर चैनल के प्रसारणकर्ता के रूप में, पुण्याजक के रूप में पुण्य नमोस्तु प्रभावना महिला मंच दिल्ली NCR, एक बार जोरदार तालियां इस मंच के लिए आप बजाएंगे ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके और सभी को इन कार्यों में जुड़ने की पावन प्रेरणा मिल सके। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नायक एंड पार्टी जो सहारनपुर से हमारे बीच है, एक जानी मानी पार्टी जो भारत स्तर पर अपना नाम अनेक चैनलों के प्रसारण के माध्यम से, जिसका एक अपना विशेष नाम है नायक एंड पार्टी, अनेक बार पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, उनके वंदना के लिए वो साथी आ जाएं जो प्रारंभ की क्रियाओं से, प्रातःकाल की बेला से इस घड़ी का, इस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से गुरु वंदना यहाँ पर नायक एंड पार्टी सहारनपुर की ओर से होनी है। आप सभी की तालियां कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से बच्चों का बहुमान करें, उनका आगाज करें। आइए छाया में जीवन मंगल कारी रे, सोने सूरज लांगड़ी आभा बरसायो रे, आयो रे अक्सर आयो जोरदार ताली नन्हे मुन्ने बच्चों को, यही कहते हुए कि लाड़ चाहिए इन्हें, दुलार चाहिए, लाड़ चाहिए इन्हें, दुलार चाहिए, इसने चाहिए इन्हें और प्यार चाहिए, और भी जोरदार तालियां बजाइए प्लीज गिवे भी हैं। आइएगा कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए चले चलते हैं। हमारे आज का वात्सल्य भोज और सुंदर जलपान की व्यवस्था पुण्याजक जैन रतन
पुण्य नमोस्तु परम गुरु भक्त परिवार आदरणीय श्री जीके जैन जी और श्रीमती नीता जैन जी की ओर से की गई है। उस परिवार की ओर से आप सभी से कृपा प्रार्थना भी है कि जलपान आप कर चुके हैं और कार्यक्रम के पश्चात वात्सल्य भोज आप लेकर जाएंगे, ऐसा उस परिवार का अनुरोध है। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चतुर्मास की वे पावन घड़ी, वे मंगल अवसर, वे पावन क्षण, जैन आगम में जिसकी प्रतीक्षा दिगंबर संत के साथ साथ उन सुधी श्रावक श्राविकाओं को निरंतर रहती है जो मोक्ष मार्ग में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में प्रत्येक वर्ष सभी दिगंबर संतों का चार महीने के लिए एक स्थान पर रहकर साधना करना और अपनी साधना के माध्यम से हम श्रावक श्राविकाओं का उद्धार करना जिनका एकमात्र उद्देश्य दिगंबर संतों का होता है, उसी श्रृंखला में हम सभी का सौभाग्य है। एक मिनट के लिए आपका ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हुए, एक ऐसा युवक जो नवाबों की नगरी लखनऊ से पीयूष कुमार के रूप में जन्म लेते हैं, उस पीयूष कुमार एक ऐसी आयु में, एक ऐसी तरुण अवस्था में, एक ऐसी यौवन अवस्था में जब केवल और केवल उस आयु के नवयुवक अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपनी नौकरी और अपने शादी के पश्चात अपने गृहस्थी के बारे में सोचते हैं, उस नवयुवक ने भगवान महावीर स्वामी के उस पावन पद पर जाने का सोचा। देखिएगा मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अन्य संप्रदाय में और जैन संप्रदाय में बस एक अंतर यही है कि वहां पर केवल सेवक तक हमारा पद सीमित कर दिया जाता है और जैन आगम में कोई भी भगवान महावीर स्वामी के पद का अनुसरण कर दिगंबर की साधना कर भगवान महावीर स्वामी बन सकते हैं। ऐसी उस दिव्यता को, ऐसी उस साधना को जब उस नवयुवक पीयूष कुमार ने अपने गुरुवर परम पूज्य आचार्य भगवान पुण्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में नाम निवेदित किया तो जैसा कि होता आया है दिगंबर संत आत्म कल्याण की भावना के साथ साथ पर कल्याण की भावना को अपने में समाहित रखते हैं, उसी श्रृंखला का, उसी परंपरा का अनुमोदन करते हुए, अनुसरण करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री पुण्य सागर जी महाराज ने उस नवयुवक को वो सारे वर्ण, वो सारे अनुपालन कराए जो एक दिगंबर संत के रूप में अनिवार्य होते हैं। हम चार लोग अपनी चर्याओं का पालन करें ना करें, लेकिन दिगंबर संत अपनी प्रत्येक चर्या का निर्भीकता के साथ पालन करता है, इसलिए उसे सिंह प्रवृत्ति कहते हैं। कितने भी उपद्रव आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कितने भी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाए, लेकिन दिगंबर संत ही एकमात्र ऐसे संत होते हैं जो अपनी किसी भी धार्मिक क्रियाओं में क्षण मात्र भी किसी प्रकार की स्थिरता नहीं ला सकते हैं। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए पीयूष कुमार जी जो आज हमारे बीच हैं, और मैं समझता हूं कि जैन आगम जैन धर्म के अनुसार इस संसार की सर्वोच्च पदवी पर आप विराजमान हैं, परम पूज्य आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी के रूप में वास्तव में विराजमान हुए हैं, तो यह जैन आगम के अनुसार पंच परमेष्ठी में सांसारिक क्रियाओं में जो जैन आगम की सर्वश्रेष्ठ पदवी है वह दिगंबर संत उपाध्याय और उसके बाद आचार्य पदवी है। वास्तव में इस सब के पीछे अगर देखा जाए तो उस बालक पीयूष कुमार की, उस युवा पीयूष कुमार की वे सच्ची श्रद्धा, वे सच्ची आस्था, वे समर्पण जो उन्होंने गुरु के प्रति किया, उसी सच्ची श्रद्धा का परिणाम कि जब आप जिस आज इस जंगल में मंगल में बैठे हैं, उस समय सुनसान था, वीराना था, गुरुवर को आकर हम जैसे बहुत भक्तों ने कहा कि गुरुवर आप यहाँ कहाँ तपस्या कर रहे हैं, इस वीराने जंगल में न जाने कितने जीव जंतु रात्रि के समय, संध्याकालीन के समय आकर अपना उद्धार करते हैं, आपका यह कोमल तन, आपका यह सुहृदय, कोमल सुहृदय उन सब चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको फिर पुनः बताने का प्रयास कर रहा हूं कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा अगर आपको कहीं देखने को मिलती है तो वे अन्यत्र के साथ साथ हो सकता है और बहुत जगह आपको मिल जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी नजरों में केवल और केवल नमोस्तु सागर जी महाराज के उन दिव्य दृष्टि में थी। उन्होंने सभी की बात सुनी, उनके अंतरात्मा ने केवल और केवल वही किया जो उनका गुरु के प्रति समर्पण था। वास्तव में गुरु के प्रति समर्पण का यह प्रतिफल कि आज पुण्य स्थली भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों में अपना एक विशेष स्थान रखती है, चाहे वह मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, जमुनापार, दिल्ली हो, अन्यत्र जितने भी समाज से लोग यहाँ पर आते हैं, जिसका भी निकलना एक बार इस क्षेत्र के आसपास से होता है उसका अपना मन रहता है
कि मैं एक बार पुण्य स्थली के दर्शन करकर चलूं। वास्तव में आचार्य कुद्दू सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और मंगल में आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिवर नमोस्तु सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला और तब से लेकर आज तक धर्म की ऐसी प्रभावना प्रत्येक रविवार को अनेक विधानों के माध्यम से ऐसे ऐसे आयोजन यहाँ पर परम पूज्य नमोस्तु सागर जी करा रहे हैं कि वास्तव में अगर एक बार हम देख ले आ जाए तो हम जुड़ते चले जाएंगे। आ सकता है माँ सच्ची श्रद्धा की, आस्था की, विश्वास की और समर्पण की, क्योंकि मैं कहा भी करता हूँ कि नाम के लिए दिया धन दान नहीं होता, नाम के लिए दिया धन दान नहीं होता, बुरे कर्मों से किसी का कल्याण नहीं होता। भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते चले जाओ, भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते चले जाओ, श्रद्धा के बिना पत्थर कभी भगवान नहीं होता। आइएगा अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था, अपना अपना समर्पण इन पुण्यशाली क्षणों में उस क्रियाओं में लगाते हैं जिस क्रिया के लिए आज हम आए हैं। कुछ मंचों पर यह होता है कि सब कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाते हैं तो जितने भी भक्त आने वाले हैं, श्रावक श्राविका आने वाले हैं, उनके मन में वो पीड़ा रह जाती है, टीस रह जाती है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर इस कार्यक्रम में नहीं दिया गया है क्योंकि हम आइएगा भारतीय संस्कृति की परंपरा का अनुसरण करते हुए अतिथि देवो भव जो भी अतिथि हमारे बीच आए हैं उन सबका मान सम्मान पूज्य श्री के मंच से करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं आचार्य श्री अगर नमोस्तु सागर जी महाराज मंच पर विराजमान हैं और वो एक बार अपना हाथ ऊंचा करके हमें आशीर्वाद दे दे तो ये भी हमारे लिए मान सम्मान और बहुमान से कम नहीं है। लेकिन कुछ परंपराएं भारतीय संस्कृति की रही हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह हमें करना है। आइएगा जिस जिस महानुभव के नाम जिस जिस क्रियाओं में है उनके नाम में क्रमवार बुला रहा हूँ, वे आएंगे, वो आएंगे और पूज्य श्री के इस मंच से अपना सम्मान स्वीकार करेंगे। प्रातःकाल की बेला में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ धार्मिक मंगल ध्वजारोहण के माध्यम से हुआ करता है, आप सभी जानते हैं। हमारा आज का ध्वजारोहण प्रमुख उद्योगपति आदरणीय श्रद्धेय श्री जैन रतन की उपाधि से जिन्हें अंकुलित किया जा चुका है, ऐसे दानवीर श्री जीके जैन जी, श्रीमती नीता जैन जी के कदमों के माध्यम से हुआ, मैं जोरदार तालियों के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा आगे की ओर आए और हमारा मंच के खड़े हो जाएंगे। देखिएगा जो हमारे इस जो आज के आयोजक समिति के सभी हमारे युवा साथी कर रहे हैं। आइएगा पुण्य नमोस्तु जी जस के जस और पूरी आयोजक समिति 2019 का जो चतुर्मास मंगल कलश स्थापना का पावन कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो सब ऐसे ब्रो पीछे वाले को दिखाइए भैया देखिएगा आप दिल्ली जो इस बार के चतुर्मास के आयोजक हैं एक बार जोरदार ताली बजाइएगा आदरणीय श्री जी के जयंती के लिए और इनकी उन सेवाओं के लिए जो निरंतर ये पुण्य इस तरह तीर्थ पर दे रहे हैं। कोई भी कार्य हो, कोई भी समय हो, शत प्रतिशत पल प्रतिपल इनकी सेवाएं निरंतर पुण्य स्थल में होते हैं। इनको दीना की लगाओ और माला पहनाओ। श्रीमती नीता जैन जी आ जाएं, श्रीमती स्वाति जी, रेणु जी, राजकुमारी जी आ जाएं और आप नीता जी का स्वागत करेंगे। अरे भैया आप कंजूसी क्यों करते हो तालियां बजाने में, कहते हैं कि इससे भी पुण्य की अनुमोदना होती है। भैया सामने से साइड हो जाओ, राजकुमारी ऐसे जवाब फोटो वाले चाहिए सामने। अभिनंदन 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 माल पहनाओ जी, स्वाति जी, राजकुमारी आ जाएंगे आगे। रेणु जी, स्वाति जी,
राजकुमारी जी आ जाए बीच में विधायक जी यहाँ पर हैं सम्मान और हमारे बीच डॉक्टर मंजू शिवाज जी विधायक मोदीगर एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उस प्रतिभा का सम्मान करें जो अपनी सेवाओं से मोदी नगर को एक बहुत सुंदर शहर बनाने में निरंतर प्रयासरत है। हमारे संगीतकार के रूप में दीपक भैया कह रहे हैं कि जो तालियां नहीं बजाएगा उन्हें रात के हो काले काले कपड़ों में, इसलिए आप समझ जाएं और ताले बजाते रहें। गलत कर रहे हैं सामने विधायक जी से अनुरोध है कि एक श्रीफल लेकर गुरुवर को श्रीफल अर्पण करें। अच्छा हो गया और गुरुवर का मंगल में आशीर्वाद लें। आ चुके हैं जो भी हैं जी हाँ। सर्वप्रथम नाम श्री महामंत्री निखिल जैन सहारनपुर। भाई निखिल जी आ जाए, मुझे सहारनपुर की शान। भाई निखिल जी एक बार जोरदार ताली बजा दो अपने युवा साथी के लिए। आएंगे मंच में केवल दो दो लोग आते जाएंगे ना, दो लोग, दो लोग कोई भी आ जाएंगे, दो दो करके आते जाएंगे। हाँ आप दो दो आते रहिए और सम्मान करते रहिए जी। जिसका नाम गुरुवर अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं वो अतिशी कराएंगे। और आज के प्रतिष्ठित सौजन्य पंकज जी अन्नू जी कृष्णा नगर दिल्ली वालों का से किया गया है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए जिनकी ओर से इस वर्ष की छिनाज भेंट करे जा रहे हैं श्री पंकज जी और श्री अन्नू जी। ये प्रतिष्ठित जो है आइएगा निखिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दो दो लोग मंच की आते जाएंगे और सम्मान करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए करिए आगे जाइए। कृपा से सब काम हो रहा और सब कुछ कहिए। जी हाँ, हमारे बीच में हमारी गुरुदेव की गृह संस्था की बहन रचना जी, हम सबकी बहन जो पूरा ध्यान रखती है हमारा इस देश का, और आज भी हमारे इसे मुंबई से चलकर यहाँ पर आई है। बस जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी के बारे में जितना कहा जाए कम है, पग पग पर इनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। एक बार जोरदार ताली आदरणीय रचना दीदी के लिए। और हम सभी का सौभाग्य है कि आचार्य भगवान पुण्य सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से पूरा सदन आदरणीय दीदी जी को सादर वंदना करो। दीदी जी हमारे पे आ रही हैं, देख लेंगे ऐसे आओ फोटो आ जाएगी। कितना वास्तव्य दीदी का है दीदी, और मैं बताऊं बहुत ही समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुई है, बहुत बिजी रहती है दीदी जी। यहाँ प्रवचन गा रहे हैं तो हर जगह जगह प्रवचन करते जाती हैं। अगर आपके समाज में लगे कि हमें 10 लक्षण किसी पर्व पे बुलाना है तो बुला सकते हैं, बहुत सरल स्वभाव। और इस कार्यक्रम की जितनी सुंदर सूचना आप सभी के पास पहुंची, ऐसे कार्ड जो सभी के पास इस कार्यक्रम की सुंदरता के लिए पहुंचे थे, जिनकी सूचना इस कार्ड के माध्यम से मिली थी, ये कार्ड जिस व्यक्ति की ओर से थे, पुण्य नमोस्तु परम गुरु भक्त परिवार श्री अमित जैन श्रीमती ऋतु जैन जैन स्कर्ट वाले सरोजपुर बिहार दिल्ली, एक बार उनके भी आप जोरदार तालियां बजाएंगे। अमित भाई यहीं पे हैं, अमित जी हैं क्या हमारे बीच, जोरदार तालियां अमित जी के लिए। बहुत सुंदर कार्ड आपने बनवाया है। प्रतीक चिन्ह जिनकी ओर से दिए जा रहे हैं, पुण्य नमोस्तु परम गुरु भक्त परिवार श्री पंकज जी श्रीमती अन्नु जी कृष्णनगर दिल्ली, एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रतीक चिन्ह इन्होंने यहाँ पर गुरु भक्तों को देने के लिए बनवाया है। और आइए हमारे बीच में मोदी नगर से अमितेश जी हैं, उनका सम्मान करेंगे। आइए आइए मोदी नगर से अमितेश
जिसका भी नाम गुरु और बोलना है उनसे अनुरोध है कि वो आ जाएं और अपना सम्मान स्वीकार करें। आइएगा मोदी किसान डॉक्टर मंजू सिवान जी जो विधायक के रूप में हमारे बीच यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और सभी बड़े बुजुर्ग मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों आप सभी को मैं इस पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और चातुर्मास के अवसर पर ये समारोह का इसका आयोजन करा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग ऋतुएं होती हैं और मुझे लगता है कि बाकी सब में जैन समुदाय ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि ऋतुओं का क्या महत्व है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तो खुद साइंस की स्टूडेंट रही तो मैं हर चीज़ को साइंस से नाप तोल के प्रमाणित जब हो जाता है तो विश्वास करती हूँ। चातुर्मास में आपके लिए बहुत सारे पूजा पाठ के प्रोग्राम होते हैं हमारे अभी हम लोग जैसे कांवड़ यात्रा और ये सब कुछ होते हैं तो आपका जो विशेष एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ के और इनके बारे में जानकारी लेके अच्छा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हम चातुर्मास में छोड़ देते हैं तो जब मैं हम बच्चे होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें अजीब सी लगती हैं कि गुरुजी ने बता दिया और हमने छोड़ दिया क्या बात हुई मिला लेकिन उसका बड़ा साइंटिफिक वैल्यू है। जब ऋतुएं बदलती हैं तो हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है इम्यूनिटी गड़बड़ा जाती है वातावरण में नमी के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस परजीवी आ जाते हैं तो ऐसे में अपने बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें अपने व्यवहार में अपनी कार्यशैली में निश्चित ही परिवर्तन करना पड़ता है। पशुओं को भी अगर हम देखें तो वो मौसम के अनुसार अपनी जरूरत के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं और चातुर्मास में आप गुरुजी लोग तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं मतलब वो अचंभे वाली बात होती है लेकिन थोड़े दिनों से मैंने भी सोचा कि जो सब्जियां देखिए आप साइंटिफिकली सोचो व्यवहारिक रूप से कि जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं या जो खाने पीने की वस्तुएं बस एक बालिश एक फुट के बराबर होती हैं तो खुद सोचिए कि बाढ़ आ जाती है पानी ओवरफ्लो कर जाता है गंदी नालियों का पानी घूम जाता है खेतों में तो ये अपने धर्म गुरुओं ने अपने शास्त्रों में जो लिखा है कि भाई चातुर्मास में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें कुछ हरे पत्ती की सब्जियां भी होती हैं तो उसका यही महत्व है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हम इन चीज़ों को छोड़ दें और धीरे धीरे कोशिश करके हम काफ़ी चीज़ें छोड़ सकते हैं कि अगर हम ये सोचें कि इस मौसम में हमें हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है तो वो आप डॉक्टरी रूप से देखिए व्यवहारिक रूप से देखिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या धर्म के रूप से देखिए वो निश्चित ही आपको लाभ देगा। धर्म से किसी कोई आस्था दोगुनी चौगुनी हो जाती है और जब हम कोई और व्यक्ति आपको बोले कि ये परहेज करिए तो हो सकता है हम नहीं करें लेकिन जब धर्म गुरु कहते हैं धर्म कहता है तो उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और जैन समुदाय के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपका ये आश्रम खुला है यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है ऐसा मैं सोचती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ क्योंकि आप खुद महसूस करें कि जब भी हम मोदी नगर से निकलेंगे और किसी भी मंदिर के आसपास में आते हैं तो मन का भाव भी बदलने लगता है और खुद भी अच्छा लगने लगता है। अभी मैं थोड़े दिन दो तीन दिन पहले शुक्रताल गई तो मोदी नगर में बड़ा हाय हल्ला रहता है सब प्रॉब्लम बताते हैं कुछ कुछ किसी की ठीक होती है प्रॉब्लम किसी की नहीं तो मेरा भी दिमाग जो है अपर स्टोरी कभी कभी गड़बड़ा जाती है तो बाई चांस मुझे शुक्र तीर्थ जाना था तो वहां तक जाते जाते जो है काफी सेट हो गया भाई तो ऐसे ही मुझे ये महसूस होता है कि नहर किनारे जब हम मोदी नगर से आते हैं और आपके तीर्थ ये पढ़ते हैं तो उसमें से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके लिए मैं जैन समुदाय को गुरु जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे मोदी नगर क्षेत्र को उन्होंने चुना क्योंकि हमारे यहाँ सकारात्मक ऊर्जा की पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि औरों के मुकाबले थोड़ी हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा थी और आप इतने सारे लोग बैठे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे कुछ मांगू ना
बरसात का मौसम है, सभी से निवेदन है, देखिए हमारा ये गोल चक्कर दुहाई के पास बना, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हमारे बहुत बूढ़े बूढ़े पेड़ भी है, बड़े बड़े पेड़ भी मेच्योर पेड़ काटे जा रहे हैं, वो विकास के लिए जरूरी है, जब हमें विकास चाहिए तो पेड़ भी कटेंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि एक एक पेड़, दो दो पेड़ जरूर लगा दें और उस पर चाहे अपना नाम लिख दें, जन्मदिन पे लगा दें। तो मुझे लगता है गुरु जी के लिए सबसे बड़ी आपकी एक गिफ्ट होगी कि इस बरसात में हम बहुत सारे पेड़ लगाएं, उसको 3 साल का करना है, लगा के नहीं छोड़ देना, उसको 3 से 5 साल का आप कर दें तो मुझे लगता है वातावरण भी अच्छा होगा और धर्म के लिए, आश्रम के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी। आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा जी, तो एक लोग करेंगे, एक लोग नाच, चलिए अच्छा जी करेंगे, तिलक लगाएंगे, प्रतीक चिन्ह देंगे, चलिए और हमारे बीच में जी अद्वीर जैन मेरठ आ जाएंगे आगे, श्री अतिवीर जैन जी मेरठ से जो हमारे बीच हैं, आइएगा प्रदर्शन जी जैन मेरठ, तरस जैन जी मेरठ, अधिशिख राजा राकेश जी जैन पल्लवपुरम, राकेश जी जैन पल्लवपुरम आ जाएंगे आगे, वो भी श्री राकेश जी पल्लवपुरम से जो हमारे बीच हैं आए और हमारे अतिथि को स्वीकार। अमित जी जैन सिद्धार्थ फर्नीचर, अमित जैन सिद्धार्थ फर्नीचर मुजफ्फरनगर, विपिन जैन संजय जैन मुजफ्फरनगर, श्री विपिन जैन जी संजय जी मुजफ्फरनगर, विपिन जैन जी बहादुरपुर वाले, मुकेश जी जैन, श्री मुकेश जैन जी घोटका वाले, श्री संजय जैन जी बावली वाले, श्री अमरीश जैन जी पुरबालियान वाले और श्री मुकेश जैन जी बैरिस्टर साहब। भाई अमित जैन जी सिद्धार्थ फर्नीचर आज के हमारे पार्श्वनाथ भगवान के दीप प्रज्वलन करता है, आदरणीय श्री मुकेश जैन जी गोटका वाले, आदरणीय श्री अमरीश भैया थोड़ा सीधा से करते रहे, भाई संजय जैन जी हमारे बीच में रोहिणी सेक्टर 14 से हमारे बीच में सुनील जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जी हाँ परम गुरु भक्त हैं जिन्होंने तीर्थ की व्यवस्था को देखते हुए, हाँ पर समान तीर्थ की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर एक तीर्थ के लिए ई रिक्शा भेंट किया, ऐसे सुनील जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो चुके, वो भी आएंगे। एक बार जोरदार ताली आदरणीय श्री सुनील जी के लिए जो बस स्टैंड से पुण्य स्थली तक आते थे, उन्हें आवागमन में थोड़ी असुविधा होती थी, उस कार्यक्रम को देखते हुए आदरणीय श्री सुनील जी ने एक ई रिक्शा यहाँ पर भेंट की है ताकि आगंतुक गुरु भक्तों को आने जाने में कोई अवधान ना हो। एक बार जोरदार तालियां श्री सुनील जी के लिए जो रोहिणी सेक्टर 14 से हमारे बीच है, आइएगा उनकी धर्मपत्नी भी आ जाएंगी, सहपरिवार पूनम जी, श्रीमती पूनम जी, आदरणीय श्री सुनील जी आ जाए। पुण्य नमोस्तु प्रभावन मंच यमुना पार दिल्ली सभी का, स्वाति जैन और रेणु जैन, स्वाति जी और रेणु जी आ जाएं श्रीमती पूनम जी के सम्मान के लिए, स्वाति जी और रेणु जी आ जाएं, अति शीघ्र आए, आइएगा। और हमारे बीच में हापुड़ से सुधीर जी, श्री सुधीर जी जो हापुड़ से हमारे बीच आए और हमारे आतिथ्य को पूज्य श्री के मंच से स्वीकार करें। आप सभी तालियां बजाते हैं अंकिल की सी। अच्छा कुछ लोग तो अपने पड़ोसी को देखते हैं कि अगर पड़ोसी ताली बजाएगा तो मैं भी बजाऊंगा, पड़ोसी में देखेंगे वो दान दे तो हम भी दान देंगे, आइए ये सुधीर जी हापुड़ से, पूरा परिवार बहुत जुड़ा हुआ है हमेशा तत्पर है, बहुत बहुत आशीर्वाद पुण्य स्थली के प्रति पूर्ण समर्पित परिवार, श्री सुधीर जी हमारे, आइए सुनील जी बैठिए, बहुत सुंदर जोरदार तालियां श्री सुधीर राजवाड़ा जी के लिए। देखिएगा अपने साथ साथ जो दूसरे को भी धार्मिक कार्यो में लगाते हैं वो बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, ये प्रेरणा स्रोत होते हैं उन कार्यक्रमों के जो कार्यक्रम में वास्तव में हम कर रहे हैं करा रहे हैं। श्रीमती रीता जैन जी, श्रीमती कुसुम जैन जी आ जाए, रीता जी और कुसुम जी राजपाला जी के साथ जो आई हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें।
और स्वागत के लिए स्वाति जी और रजनी जी यहाँ पर मंच पर हैं। श्रीमती नीलम जैन जी आ जाएं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। राजबाला जी कुसुम जी के साथ श्रीमती नीलम जैन जी भी आ जाएं। नीलम जी आइए यहाँ पर। हाँ हो गया। मनोज जी जैन अशोक विहार दिल्ली से उपस्थित हैं, आएंगे आगे। मनोज जैन जी अशोक विहार दिल्ली से जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन चरणों में आए। जब उसे पता चलता है कि पुण्य स्थली में आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज की चतुर्मास का इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और आइए ये ना बोलेंगे। हमारे बीच अपर्णा जी जैन मेरठ से उपस्थित हैं, सुभाष जी की वाइफ आ जाएंगे यहाँ पर। श्रीमती अपर्णा जैन जी धर्मपत्नी श्री सुभाष जी जो मेरठ से हमारे बीच है, उनसे अनुरोध है कि आए। और आदरणीय श्री पीसी जैन जी मंगल पांडे नगर जो अध्यक्ष हैं जैन मिलन के, उनसे अनुरोध है पर जोरदार तालियां आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। आइए। और हमारे बीच विजेंद्र जी जैन नगर मेरठ से उपस्थित हैं। जैन नगर मेरठ से आदरणीय श्री विजेंद्र जैन जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि आए। और आदरणीय श्री अशोक जैन जी माधवपुरम से जो हमारे बीच हैं, पीसी जैन मिलन के अध्यक्ष, हाँ जैन मिलन के अध्यक्ष आदरणीय श्री पीसी जैन जी मंगल पांडे नगर से हमारे बीच हैं, और आदरणीय श्री अशोक जैन जी माधवपुरम से हमारे बीच हैं। दोनों के लिए होने के आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। आनंदपुरी मेरठ से अंकुर जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय भाई श्री अंकुर जैन जी आए। और पूज्य श्री के मंच से पुण्य नमस्तु प्रभाव नमन शिमला नगर दिल्ली के माध्यम से जो सभी अतिथियों का मान सम्मान बहुमान बहुत सुंदर अनुशासित व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, उसको स्वीकार करें आदरणीय अंकुर जी। और एक सम्मान करेंगे जी, हाँ सुनीता जी आ जाएंगे, स्वाति आ जाएंगी और श्रीमती रेणु जैन पीतमपुर से दिल्ली का सम्मान करेंगे, जिनकी तरफ से आज यहाँ पर जिमानी चैनल पर प्रसारण किया जाएगा जी। हाँ परम गुरु भक्त हैं श्रीमती रेणु जैन जी पीतमपुरा दिल्ली से, श्री नितिन जैन जी और श्रीमती रेणुका जैन जी पीतमपुरा दिल्ली से हमारे पीछे हैं। पुण्य नमोस्तु गुरु भक्तों की श्रृंखला में जिनका एक विशेष स्थान है और आज के इस कार्यक्रम को जिनवानी चैनल पर घर बैठे देखने का सुंदर अवसर हमें जिनकी ओर से प्रदान हो रहा है, ऐसी श्रीमती रेणु जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हो सकता है कि बहुत सारे भक्त ऐसे हो जो यहाँ पर ना पाए हो, घर बैठे इतने सुंदर कार्यक्रम को जिन्हें देखने का सुंदर अवसर मिलेगा वे हैं श्रीमती रेणु जैन जी की ओर से जिनवानी चैनल पर प्रसारण होना है। कंजूसो एक बार तालियां बजाओ। और आइए हमारे बीच में पीतमपुर दिल्ली से उपस्थित हैं जी हां श्रीमती सुमन जैन और श्रीमती रेणु जैन पीतमपुर जैन समाज कोष अध्यक्ष की श्रीमती आ जाएंगे। आइएगा अपना सारा कोष लेकर यहां पर आ जाएं, कोष की बहुत आवश्यकता है। रेणु जैन स्वाति जैन सम्मान के लिए कोष अध्यक्ष जी आ रही है, कोष लेकर अपना आइएगा। बहुत सुंदर जोरदार तालियां के लिए आइए अपना सम्मान करें स्वाति जी। इसी श्रृंखला में श्री पुनीत जैन जी, श्री मुकेश जैन जी देवपुरी मेरठ से जो हमारे बीच हैं, श्री पुनीत जी और श्री मुकेश जैन जी देवपुरी मेरठ से जो हमारे बीच हैं, मुकेश जी पुनीत जी आ जाएं। जैसे जैसे भक्त हमारे बीच आ रहे हैं उसी प्रकार पूज्य श्री के मंच से पुण्य नमोस्तु प्रभावना मंच शिवना पार दिव्य का बहुमान कर रहे हैं। आइएगा इसी श्रृंखला में
नायक एंड पार्टी के माध्यम से एक और सुंदर कार्यक्रम देखने का सुंदर अवसर हमें मिले। मैं नायक एंड पार्टी के आज जब जो भी उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर आने की कृपा करें। नायक एंड पार्टी सहारनपुर से हमारे बीच एक ऐसा जाना माना नाम जो अनेक चैनलों के माध्यम से आदरणीय श्री सौरभ जी जैन मेयर से जो हमारे बीच है उनसे अनुरोध है कि आए। श्री सौरभ जी जो मेयर से हमारे बीच है उनसे अनुरोध है कि आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। नायक एंड पार्टी सहारनपुर से अपने अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। आइएगा सौरभ जी। भैया जी मधुमन खुशबू है, मधुमन खुशबू है, सागर सावन बेला है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। सम्मान के संकड़ा में श्री दीपक जैन जी पत्रकार महोदय हमारे बीच हैं उनसे अनुरोध है कि आए। और आदरणीय श्री प्रमोद जैन जी प्रबंधक श्री पार्षद दिगंबर जैन मंदिर दीनानाथ बाजार सहारनपुर। आदरणीय श्री प्रमोद जैन जी प्रबंधक दिगंबर जैन मंदिर दीनानाथ बाजार सहारनपुर और पत्रकार के रूप में सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जला जल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जला जल, फूल बने यंगारे सच की राह पे चल इसी श्रृंखला में जुमेंद्र दास जैन जी खेकड़ा से हमारे बीच है, आदरणीय श्री राजीव जैन जी खेकड़ा से हमारे बीच है और आदरणीय श्री संजय जैन जी खेकड़ा से हमारे बीच है। खेकड़ा से श्री जुमेंद्र दास जैन जी, राजीव जैन जी और संजय जैन जी आए। खेकड़ा से हमारे बीच राजीव जी, संजय जी, जुमेंद्र दास जैन जी आ जाए। खेकड़ा से राजीव जी, संजय जी, जगमेंद्र दास जैन जी हमारे बीच हैं। हम जोरदार तालियों से इनका आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में सकल जैन सहारनपुर से श्रावकों के रूप में अंशु जैन जी, अरविंद जैन जी सहारनपुर जैन समाज से अंशु राजीव जी सहारनपुर से आ जाएं।
स्वागत का ही गाना है, वही टाइम लगाता है। उसके बाद तो वही मेन मेन गान है, राष्ट्रदान। उसके बाद जय बोले जीतने वाले पार्श्वनाथ भगवान की। आइए भैया दीपक जी बहुत देर से प्रतीक्षा रत है कि मेरा भी नंबर आए। एक भजन की कुछ पंक्तियां, मीठी मीठी पंक्तियां, उसके बाद विशेष कार्यक्रम की ओर आते हैं। भाई दीपक जैन एन पार्टी जो संगीतकार के रूप में अपनी एक पहचान बना चुके हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे बीच आते हैं। भाई दीपक जी की कुछ पंक्तियां भैया, 30 मिनट का चलिए। तूफान जो आया वो थम गया। वास्तव में तूफान दो प्रकार के होते हैं। एक तूफान वो होता है जो हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आता है, और एक तूफान वो होता है जिसमें भक्तों की श्रृंखला अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर गुरु चरणों में चली आती है। ऐसा एक उमड़ता हुआ जन सैलाब हमारे बीच आप देख रहे हैं पुण्य स्थली के इस पावन मंच पर है। सहारनपुर से कई बसे, मुजफ्फरनगर से एक बस, मेरठ से बसे, दिल्ली से बसे, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से अपने समय में से अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धा आस्था विश्वास और समर्पण की पावन डोर है जो निरंतर हमें आचार्य पुण्य सागर जी महाराज की ओर लिए चली आती है, आचार्य नमोस्तु सागर जी के चरणों में लिए चली आती है, और हम नतमस्तक हो जाते हैं उस पावन तीर्थ क्षेत्र पर जिसे हम पुण्य स्थली के नाम से जानते हैं। एक बार आप सभी अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आपके जीवन के पावन क्षण वह अमूल्य समय जो वास्तव में हमने अपने कार्यों में से निकाले हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में लगाए हैं, ये वास्तव में पुण्य देने वाले हैं। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चले चलते हैं उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की ओर जिसके लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंगल कलश स्थापना, दिगंबर जैन संत के पास 3 आवश्यक उपकरण, पिच्छी कमंडल और शास्त्र, उसके अलावा दिगंबर जैन संत को और कुछ नहीं चाहिए, और जैन आगम भी ऐसी व्यवस्था दिगंबर संत के लिए करता है। ये सब व्यवस्थाएं जितने भी कलशारोहण की होती हैं, ध्वजारोहण की होती हैं, मंच उद्घाटन की होती हैं, और उन्हीं क्रियाओं में चतुर्मास क्रियाओं में महत्वपूर्ण क्रिया कलश की स्थापना की क्रिया होती है, ये सभी हमारी सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। दिगंबर संत को उन क्रियाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि चातुर्मास की स्थापना जिस दिन दिगंबर संत करते हैं वो प्रातः काल की बेला में 3, 3:30, 4 बजे उन धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण कर लेते हैं जो वास्तव में चातुर्मास की क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। आइएगा अपने उन क्रियाओं की ओर चलते हैं जिसके माध्यम से हम किसी तीर्थ का निर्माण कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी चंचला लक्ष्मी को धार्मिक कार्यों में सदुपयोग में लगा सकते हैं। देखिएगा किसी भी मंच से अवसर सभी को मिल जाए यह संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन हम सभी की यह भावना रहती है कि हम सभी को सभी कार्य करने का अवसर मिले। उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा रही है और यह अवसर सभी को मिल सके, इसलिए जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो बोली के माध्यम से यहाँ पर प्रेक्षित की जा रही हैं। आइएगा सर्वप्रथम चले चलते हैं उस दिव्य कलश की ओर, उस मांगलिक कलश की ओर जो वास्तव में हमें सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला है। एक ऐसा कलश जो परम पूज्य आचार्य भगवान पुण्य नमोस्तु सागर जी महाराज के उस कक्ष में विराजमान होगा जहां पर निरंतर 4 महीने तक चतुर्मास में अपने ज्ञान की पावन गंगा, अपने तप और त्याग, अपने संयम और साधना की वह उत्कृष्ट अवस्था जब दिगंबर संत अपने साधना में लीन होकर उस परमपिता परमेश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं, उस भगवान महावीर स्वामी के पद पर चलकर तप और त्याग के माध्यम से सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान के माध्यम से उस परम पदवी को पाने का प्रयास करते हैं, वे सारी साधना अगर केवल किसी को मिलती है तो वह होती है दिव्य कलश। उस मुख्य कलश का यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर वास्तविक स्वरूप आपके समक्ष पूज्य श्री के समक्ष है, पूज्य श्री के समीप है एक ऐसा मुख्य कलश जिस पर श्री भी लिखा है, जिस पर मां पद्मावती भी हैं, और एक ऐसा कलश जो हमें धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है, एक ऐसा कलश जो हमारे सभी दुखों को दूर करने वाला है, क्योंकि उसकी महिमा क्या है ये हम सभी जानते हैं, हम सभी जैन समाज के लोग बैठे हैं,
उस मंगल कलश की क्या रूपरेखा होती है, उस मंगल कलश की हमारे घर में जब स्थापना हो जाए चतुर्मास के पश्चात तो क्या भूमिका होती है और उस मंगल कलश से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये इन सभी बातों से हम प्रत्येक वर्ष हम ज्ञान में रखते हैं, हमें ज्ञात होता है। उसी मंगल कलश के लिए यहाँ पर गोली के माध्यम से एक सुंदर व्यवस्था की गई है। गोली से भक्तों पुण्य कमाओ, जब कलश की गोली लगाओ, गोली से भक्तों पुण्य कमाओ, गोली से भक्तों पुण्य कमाओ। 151,151 रुपया है, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, बहुत सारे और इसी श्रृंखला में 64 रिद्धि मुख्य कलश, आप सभी जानते हैं कि रिद्धि सिद्धियां 64 होती हैं और उन 64 रिद्धि सिद्धियों का वास हमारे परिवार में हो, हमारे घर पर हो, उसके लिए 64 रिद्धि मुख्य कलश 151,151 रुपए, उसके लिए बोली आई है 151,151 रुपए, अति शीघ्र अपना मन बनाए 151,151 रुपए। अरे पकड़ी भाई को पकड़ लो, पकड़ लो प्रदीप जी, पकड़ लो सोनल, पकड़ लो पकड़ी 64 रिद्धि मुख्य कलश श्री पर धन के अद्भुत प्रभावना जिस कलश के माध्यम से होने जा रही है, ऐसा पंच परमेष्टी कलश उन्होंने सिद्धि दी थी, गुरुदेव को सपना पूरा करना था वो पूरा कर दिया है, अब समाज निमंत्रण देगी हम चल देंगे, क्योंकि साधु तभी चलता है जब समाज निमंत्रण देती है, और समाज के काम है साधु को विहार करना और साधु काम है विहार करना। चलिए गुरुवर ने आगे की अपनी योजनाओं के बारे में भी हमें ये मत कहना, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है। अरे भाई बोलो का तुम्हारा यही जम गया क्या? अरे फेविकोल थोड़ी जम जाएंगे। हां चलिए, आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है, हमें इशारा कर दिया है कि वो उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई भी आए और उन्हें अपना बनाकर ले जाए, उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, सरसावा हो, सरदना हो, या अपना पार दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, सभी के नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, केवल मैंने एक आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ एक ऐसा भव्य पंचकल्याण जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम, पंचकल्याण कुंभ में अपना नाम एक अमरता के साथ लिखवा कर गया है, एक ऐसा पंचकल्याण जिसमें एक व्यवस्था आप सभी ने देखी होगी कि जब पुण्य स्थली का निर्माण प्रारंभ हुआ तो उस समय आचार्य पुण्य सागर जी महाराज की पवन प्रेरणा से हम सभी के घरों में गुल्लक रखी गई थी कि हम 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार उस गुल्लक में डालकर पुण्य स्थली निर्माण में सहयोग प्रदान करें। यह विशेषता मैंने केवल और केवल पुण्य स्थली पर देखी है कि जब पुण्य स्थली का यहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समाप्त हो गया, भव्यता के साथ पूर्ण हो गया, तो सभी को यह संदेश भेज दिया गया कि अब इस गुल्लक की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये गुल्लक आगे के लिए बंद की जा रही है। वास्तव में ऐसी सोच रखने वाले, ऐसा आशीर्वाद रखने वाले परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु सागर जी महाराज का कोई कार्य भविष्य में रुक जाएगा यह असंभव सी बात है, क्योंकि जिसके मन में अपने गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा होती है उसके सामने देवता भी नतमस्तक होते हैं। आइएगा, बात चल रही थी इस बहुत सुंदर पंच प्रमेष्टी कलश की, 111,111 रुपए, 1, 2, 2.5। मैंने पूर्व में भी कहा है कि पैसे का कोई महत्व नहीं है मेरे भाई, भाई दीपक जी एक बार और प्रयास कर ले। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला, नमोस्तु सागर की शरण मिली, नमोस्तु सागर की शरण मिली, सब संत मुनियों का प्यार मिला,
हमें चैनी कुल परिवार मिला, हमें चैनी कुल परिवार मिला। कौ जाके पांच रंगों में 1,11,111 रुपया, 1, 2, 2.5, 3 और 3। यह सौभाग्य कंजूसो, वैसे आप समझदार हो, कंजूस तो हो पर समझदार हो। दिगंबर जैन संत के पास 3 आवश्यक उपक्रम। जैन धर्म जैन आगम के अनुसार दिगंबर जैन संत केवल और केवल 3 आवश्यक उपकरण अपने पास रख सकता है, शास्त्र, कमंडल और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है पिच्छी। क्या नाम है? विकास जी। विकास जी ने विकास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, खूब विकास कर रहे हैं, रात दिन बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत बहुत पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो विकास कर रहे हैं, एक हमारे विकास जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। आइएगा महा आरती, दीपों से पूजन, दीपों से पूजन करने की प्रक्रिया कहलाती है आरती, दीपों से गोबर की पूजा। कोई सब तन मन धन से समर्पित तीर्थ के पूरा परिवार सोना ला जाओ। जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई। आइएगा शास्त्र भेंट। मैंने पूर्व में भी कहा था कि दिगंबर संत के पास 3 आवश्यक उपकरण, पिच्छी, कमंडल, 12 यंत्र हैं, मैं नाम बोल दो। अच्छा अच्छा, एक महावास्तु यंत्र, चतुर्मास में यहाँ पे यंत्र की स्थापना होगी, मुझे यंत्र दिखा देंगे, जहाँ पे 12 यंत्र महायंत्र क्रियान्वयन किए जाएंगे और यंत्र और मंत्र का जैन धर्म में अपने आप में एक उल्लेख है, जो आपके व्यापार, आपके परिवार, आपके मन की शांति के लिए प्रमुख होता है। चलिए बोलिए। एक महावास्तु यंत्र, 2 गंधर्व विनय यंत्र, 3 सिद्धचक्र यंत्र, 4 घंटाकरण यंत्र, 5 शांति यंत्र, कलिकुंड पारसनाथ यंत्र, ऋषिमंडल यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, भक्तांबर यंत्र और सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, नवग्रह यंत्र और विनायक यंत्र। इस प्रकार ये 12 यंत्र हैं। जिस किसी को राशि बोलती है, हाँ, 51,151 रुपए की राशि के माध्यम से कोई भी अपना नाम यहाँ पर प्रेक्षित कर सकता है। 51,151 रुपए, 12 यंत्र है, 1 यंत्र की राशि, 1 नाम लिखिए। नाम लिखेंगे अमित जी, आप लिख लीजिए नाम, नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे और कोई भी अपना नाम दे सकता है। किसी भी यंत्र के लिए कोई भी अपना नाम यहाँ पर स्वेच्छा से दे सकता है। ये यंत्र वो यंत्र है जो रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, साधना के वे पावन क्षण जो दिगंबर संत एकांत में व्यतीत करते हैं, उसी कक्ष में यंत्रों को रखा जाएगा और 4 महीने की साधना पूर्ण होने के पश्चात विधिवत रूप से चतुर्मास निष्ठापन के कार्यक्रम में इन नियंत्रों को सम्मान उन सभी को दे दिया जाएगा जो आज सौभाग्यशाली बनेंगे। एक नाम 51,151 रुपए में हमारे पास आया है। जी हाँ, और भी नाम आए हैं यहाँ पे। जी हाँ, 2 यंत्र के नाम आए हैं, सम्मान प्राप्त करेंगे। आइए, श्री दीपक जैन जी राधेपुरी दिल्ली से हमारे पीछे हैं, केंद्र में उनका नाम आया है, आए हैं अपने। और एक नाम आया राजेश जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली, राजेश जैन जी लक्ष्मी नगर दिल्ली से जो हमारे बीच है। और एक नाम है ललित जी जैन सानिमा पार्क दिल्ली। और किसी को अपना नाम देना, सीता सिंह अपना नाम दे। बहुत कम यंत्र हमारे पास शेष है, नाम आ चुके हैं। पूज्य श्री की भावना है कि सभी तक सभी क्रियाओं का लाभ पहुंच सके, इसलिए बोली के माध्यम से प्रक्रिया परिपूर्ण कराई जा रही है। जी हाँ, एक यंत्र संजीव जैन राधेपुरी दिल्ली, श्री संजीव जैन जी राधेपुरी दिल्ली वालों ने एक नाम लिखवाया यंत्र के लिए, एक बार जोरदार तालियां। और एक यंत्र लिखिए मुकेश जैन ज्वेलर्स कृष्णनगर दिल्ली, श्री मुकेश जैन जी ज्वेलर्स कृष्णनगर दिल्ली से एक नाम हमारे पास आया है, उत्सव होने के आए। चलिए, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। देखिएगा, एक नाम और आया है कृष्णनगर से, ज्वेलर्स हमारे बीच में है,
एक छोटी सी निवेदन मैं अपनी निज ज्ञान के आधार पर एक नव निवेदन आप सभी से कर रहा हूँ। जितने भी हमारे महानुभव हैं, जो भी श्रावक श्राविकाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने स्वेच्छा से यहाँ पर अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग कर कोई ना कोई सहयोग किसी ना किसी कलश को या यंत्र को लेने में लिया है। उन सभी से एक विनम्र प्रार्थना है कि वो अपनी उस धनराशि का सदुपयोग सही समय पर और सही कार्य में हो सके। इस चतुर्मास के अंतर्गत जितना यथासंभव जल्दी हो सके, क्योंकि आगम में भी कहा गया है, आचार्य भगवान भी कहते हैं कि दान वह दान होता है, इधर आपने बोला उधर आपने दे दिया। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जितनी भी शीघ्रता से शीघ्र वह राशि जो आपने यहाँ पर बोली है आप ट्रस्ट को दे सके, आप जो आयोजक समिति है वहां तक पहुंचा सके, तो आपकी यह हम पर अनुकंपा भी होगी और आपकी क्षेत्र के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा भी होगी। मात्र चार यंत्र बचे, किसी को नाम देना तो अपना नाम दे सकता है, आपको लेना है या आपके किसी रिश्तेदार को लेना है। मात्र 51,151 रुपए की राशि में लेने का सौभाग्य पुण्य स्थली की आपके अपने इस तीर्थ क्षेत्र पर प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। अपना अपना मानस बनाए, अति शीघ्र करें। जी हाँ, मात्र 3 यंत्र बचे हैं शेष, जिस किसी को अपना नाम देना है जल्द से जल्द शीघ्रता शीघ्र दें, जिससे वह यंत्र आपके घर तक पहुंच सके, आपके घर में सुख शांति वृद्धि हो सके और आपके परिवार में सदैव प्रभु कृपा बनी रहे, ऐसा यंत्र मंत्रित यंत्र एक कूपन लेंगे। हाँ, देखिएगा एक कूपन लेना है आपको और लकी ड्रॉ केवल उसका ही निकलेगा जिसके पास एक कूपन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए चलिए बच्चों करेंगे। देखिएगा 64 रिद्धि कलश जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, मात्र 21,000 रुपए की धनराशि। सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई, प्रजा के हर्ष का पारावार नहीं रहा, देवलोक में भी आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। शीतल मन सुगंधित वायु बहने लगी, पृथ्वी कंपित हो उठी, समुद्र लहराने लगा और इंद्रासन कांप उठा। बालक का नाम ऋषभ रखा गया क्योंकि प्रथमतः वो जगत में श्रेष्ठ था, दूसरे वो श्रेष्ठ धर्म से शोभायमान था और तीसरे माता ने उसके गर्भावतरण के समय स्वप्न में ऋषभ अर्थात बैल को देखा था। इन कारणों से बालक का नाम ऋषभ देव रखा गया। भगवान ऋषभ देव महाराज नाभि के घर में बाल चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ने लगे और धीरे धीरे पूर्ण यौवन होने लगे। उनकी पूर्ण युवावस्था देखकर महाराजा नाभि इंद्र की सम्मति लेकर सुशील और सुंदर लक्षणों वाली दो कन्याओं को पसंद की। वे दोनों कच्छ और महाकच्छ की बहनें थी, एक का नाम यशस्वती था और दूसरी का नाम सुनंदा। दोनों कन्याओं के साथ ऋषभ देव का विवाह संपन्न हुआ। दोनों पुत्र वधुओं के साथ अपने पुत्र को देखकर महाराजा नाभि और महादेवी बहुत ही प्रसन्न हुए। महादेवी यशस्वती अपने महल में सो रही थी। उन्होंने स्वप्न में ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चंद्रमा सहित सूर्य, अंश सहित सरोवर तथा लहराते हुए समुद्र को देखा। स्वप्न देखने के बाद
बंदी जनों का मंगल गान सुनकर यशस्वती जाग पड़ी और स्नान आदि करके स्वप्नों का फल पूछने के लिए भगवान ऋषभ देव के समीप पहुंची तथा अपने योग्य आसन पर बैठकर भगवान से अपने स्वप्नों का निवेदन किया। तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा और वो बड़ा प्रतापी तथा कांतिमान होगा, वो समस्त पृथ्वी का पालन करेगा और संसार रूपी समुद्र को पार करेगा। पति के वचन सुनकर यशस्वती बहुत प्रसन्न हुई। राजा अति वृद्ध जी जो पहले व्याघ्र था और फिर उन्नति करते करते सर्वार्थ सिद्धि से अमित हुआ था, वहां से अलग होकर यशस्वती के घर में आए। अब यशस्वती जब कभी दर्पण में अपना मुख देखने लगी, उसके गर्भ के सब चिन्हों को देखकर ऋषभ देव अत्यंत प्रसन्न होते थे। यशस्वती ने महापुण्यशाली तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान ऋषभदेव का जन्म जिस पुण्य बेला में हुआ था, उसी पुण्य बेला में उनके पुत्र का भी जन्म हुआ, अर्थात चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था, मीन लगन थी, ब्रह्मा योग था, धन राशि का चंद्रमा था और उत्तराषाढ़ नक्षत्र था। पौत्र का जन्म जानकर मनुदेवी और नाभि राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। सौभाग्यवती स्त्रियां मुगल गान करने लगी, नर्तकियों ने नृत्य आरंभ किया, समस्त नगर आनंद के समुद्र में तैरने लगा। बालक का नाम भरत रखा गया। ऋषभदेव सुख में बैठे हुए, उसी समय उनकी दोनों पुत्रियों ने उनके निकट पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने दोनों को प्रेम पूर्वक अपने पास बैठा लिया और फिर स्नेह पूर्वक बोले, तुम दोनों का ये शरीर, ये अवस्था और ये अनुपम शील यदि विद्या से विभूषित हो तो तुम्हारा ये जन्म सफल हो सकता है। अतः पुत्रियों, तुम दोनों विद्या ग्रहण करने में प्रयत्न करो, तुम्हारे विद्या ग्रहण करने का यही समय है। ऐसा कहकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी दोनों किशोर कन्याओं को बार बार आशीर्वाद दिए और फिर पाटीदार एक हाथ से वर्णमाला लिखकर लिपि की शिक्षा दी और दूसरे हाथ से अंक विद्या की शिक्षा दी। ब्राह्मी पुत्री भगवान की गोद में दाहिने ओर बैठी थी, अतः उसे दाहिने हाथ से अंक विद्या की शिक्षा दी और सुंदरी पुत्री बाईं ओर बैठी, अतः उसे बाएं हाथ से इकाई दही आदि अंक विद्या का अभ्यास कराया। ऋषभदेव ने पुत्रियों की तरह अपने पुत्रों को भी शिक्षित किया और लोग का उपकार करने वाले जितने शास्त्र थे वे सब अपने पुत्रों को सिखलाए। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपनी संतान को सुशिक्षित बनाकर पुरुषों के सामने यह आदर्श उपस्थित किया कि माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना ही नहीं है किंतु उसे सुशिक्षित बनाना भी है तथा पुत्रों से भी प्रथम पुत्रियों को सुनिश्चित बनाना आवश्यक है। भगवान ऋषभदेव को समुद्र पर्यंत
पृथ्वी का शासन करते हुए बहुत वर्ष बीत गए और प्रजा की दशा बराबर उन्नत होती गई। एक दिन भगवान ऋषभदेव विशाल सभा मंडल के बीच में सिंहासन पर विराजमान थे और नीलांजना नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। दौरान उसके पैर डगमगाए और वो इस ढंग से पृथ्वी पर लेट गई मानो वो अपनी नृत्य कला का ही एक अभिनय दिखा रहा। नीलांजना के गिरते ही इंद्र ने रसभंग के भय से तुरंत एक वैसी ही दूसरी नरहत्ती को खड़ा कर दिया और नृत्य जोकर को चलता रहा। ये कार्य इतनी शीघ्र गति से किया गया कि सभा के लोगों को एक के अंत और दूसरे के आगमन का पता ही नहीं चला। किंतु भगवान ऋषभदेव से यह रहस्य छिपा नहीं रहा। वो तुरंत समझ गए कि पहली नर्तकी का अंत हो गया। जीवन के अंत का यह प्रथम दृश्य देखते ही उनकी ज्ञान चेतना जाग उठी। सोचने लगे कि यह आभरण केवल भार रूप है। चंदन का लेप मैल के तुल्य है, नृत्य पागल पुरुष की चेष्टा है और गीत संसार की करुण दशा का रुदन है। उन्हें सारा जगत क्षणिक और शून्य प्रतीत होने लगा। भगवान शरीर से भी ममत्व छोड़कर और अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी तथा बाहुबली को युवराज बनाकर मौन पूर्वक तपश्चरण में संलग्न हुए। राजा बनने के बाद महाराज भरत ने समस्त पृथ्वी को अपने राज्य में मिलाने का संकल्प लिया। चक्ररथ और घटरथ दोनों ही रथ चक्रवर्ती की सेना के आगे आगे रहे और देखते देखते चारों दिशाओं के राज्यों पर विजय श्री हासिल कर महाराजा भरत चक्रवर्ती भरत के नाम से पूरे संसार में जाने जाने लगे। उनकी वीरता व पराक्रम का डंका पूरी पृथ्वी पर चारों ओर गूंजने लगा। अपनी इस विजय से चक्रवर्ती भरत का मन पूरे अभिमान से फूल उठा और अभिमानी भरत वृषभाचल नामक पर्वत के करीब आ पहुंचे। वहां पहुंचकर वो अपने मंत्रियों से बोले, जब से यह संसार है किसी ने भी मेरी तरह दिग्विजय नहीं की। मैं ही प्रथम चक्रवर्ती हूँ। यह पर्वत बड़ा मनोहर है, क्यों ना इसके ऊपर अपनी दिग्विजय का सूचक लेख लिख किया जाए। ये विचार आते ही चक्रवर्ती भरत अति उत्साहित होकर हाथ में कांकड़ी रत्न लेकर अभिमान पूर्वक वृषभाचल के निकट पहुंचे। जो ही वो कुछ लिखने को हुए यूं ही उनकी दृष्टि वहां खुदे हजारों चक्रवर्ती राजाओं के नाम पर पड़े। ये देखकर भरत को बहुत विस्मय हुआ और उनका अहंकार कुछ कम हुआ। ये हम क्या देख रहे हैं? मैं प्रथम चक्रवर्ती राजा नहीं हूँ। मुझसे पूर्व भी हजारों राजा चक्रवर्ती हो चुके हैं, फिर भी मुझे अपना नाम इस सूचक लेख पर अंकित करना है। अंत में उन्हें किसी एक चक्रवर्ती के नाम को मिटाकर ही अपना नाम लिखना पड़ा। संसार की स्वार्थ परायणता का यह बहुत बड़ा उदाहरण है। अयोध्या पहुंचकर चक्रवर्ती भरत को नगर के बाहर ही रुक जाना पड़ा। सेनापति ने चक्रवर्ती से कहा, दीदी आश्चर्य करते हुए विचार में पड़ गए, जिसकी गति कहीं नहीं रुकी, अपने ही नगर में आकर उसकी गति रुक जाना एक अनहोनी सी बात थी। भरत ने तुरंत ही अपने मंत्रियों और पुरोहित को बुलवाया और पूछा,
जो चक्रवर्त समस्त दिशाओं को जीतने में कहीं नहीं रुक सका, वह आज मेरे ही नगर के द्वार पर आकर के क्यों रुक गया? अतः आप अच्छी तरह विचार कर इसका कारण बतलाएं। देव, हमने निमित दत्तों के मुख से सुना है कि जब तक कुछ भी दिग्विजय करना शेष रहता है तब तक चक्ररत्न कभी भी नहीं रुकता। नाथ, यद्यपि आपने बाहर के शत्रुओं को जीत लिया है तथापि आपके भाइयों ने आपको नमस्कार नहीं किया है, वे आपके विरुद्ध हैं। उन्होंने निश्चय किया है कि हम भगवान ऋषभदेव के सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। आपके सभी भाई बड़े बलवान हैं, किंतु उनमें भी बाहुबली मुख्य है, अतः इसका शीघ्र ही प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञों का कहना है कि आपकी एक चिंगारी की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? मेरे दुष्ट भाई मुझे नमस्कार नहीं करते, मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सबसे अधिक खेद तो मुझे बाहुबली के प्रति है, मैं उसे अपना परम हितेशी समझता था, किंतु अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बाहुबली के सिवाय अन्य भाइयों ने मुझे नमस्कार भी किया तो उससे क्या? उसके कोदनपुर के बिना यह विस्तृत साम्राज्य मेरे लिए विष के समान है। देव, इस उपकार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। जितेंद्रिय मनुष्य केवल अक्षमा से ही पृथ्वी को जीतते हैं, अतः चतुर दुर्गों को भेजकर अपने भाइयों को वश में करना ही उचित है, इससे आपका मान बढ़ेगा। पुरोहित के इतना वचन सुनकर भरत एकदम शांत हो गए। भरत जानते थे कि बाहुबलशाली बाहुबली सामान्य संघर्षों से वश नहीं हो सकता। बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने एक चतुर दूत बाहुबली के पास भेजे। जब दूत राज दरबार में उपस्थित हुआ तो महाराज बाहुबली पर दृष्टि पड़ते ही कुछ घबरा सा गया। विनम्र मस्तक से आकर दूत ने बाहुबली को नमस्कार किया और बाहुबली ने सत्कार पूर्वक उसे अपने पास बैठाया। जब दूत अपना स्थान ग्रहण कर चुका तो बाहुबली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समस्त पृथ्वी के स्वामी आपके चक्रवर्ती कुशल से तो है, आज बहुत दिनों में इन्होंने हम लोगों का स्मरण किया है। सुना है इन्होंने सब राजाओं को जीत लिया है और सब दिशाओं को भी अपने अधीन कर लिया है। उनका ये कार्य समाप्त हो चुका है या कुछ शेष है? देव, हम लोग दूत हैं, अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार चलना हमारा धर्म है। इसीलिए चक्रवर्ती ने जो उचित आज्ञा दी है उसे स्वीकार कर लेने में ही आपका गौरव है, अतः आप शीघ्र ही चलकर उनका मनोरथ पूर्ण करें। आप दोनों भाइयों के मिलाप से ये संसार भी मिलकर रहना सीखेगा। दूत जिन्हें शांति से भी वश में नहीं किया जा सकता, उनके साथ अहंकार का प्रयोग करना मूर्खता है। भरत उम्र में भले ही बड़े हो किंतु बूढ़ा हाथी सिंह के बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता। वीर मनुष्य प्राण देकर भी मान की रक्षा करते, क्योंकि मान पूर्वक कमाया हुआ यश ही संसार की शोभा है। वही उपभोग करेगा या मैं ही उपयोग करूंगा। हम दोनों का जो कुछ होना है वो युद्ध भूमि में ही होगा। इस प्रकार ये सब कहकर स्वाभिमानी बाहुबली ने दूत को विदा कर दिया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। ये विचार कर दोनों पक्षों के मंत्रियों ने अपने राजाओं के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि तीन प्रकार का युद्ध होगा, जलयुद्ध, दृष्टि युद्ध और मनयुद्ध, और जिसकी पराजय होगी उसे भ्रुकुटी टेढ़ी किए बिना सहन करनी होगी, और जिसकी विजय हो वो उसे बिना अहंकार के वरण करे। इस घोषणा के पश्चात दोनों ओर के प्रमुख प्रमुख पुरुष अपने अपने स्वामी के साथ दोनों ओर बैठ गए। सबसे प्रथम दृष्टि युद्ध
द्वितीय युद्ध जल युद्ध हुआ। राजा बाहुबली की जय हो, राजा बाहुबली की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय हो। सम्राट भरत की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय हो। महाराजा बाहुबली की जय हो, महाराजा बाहुबली की जय हो। जल युद्ध में भी पराजित होने के पश्चात दोनों योद्धाओं के बीच तीसरा युद्ध मल युद्ध हुआ। विचार सागर में डाल दिया। वो सोचने लगे और बोले, देखो
हमारे बड़े भाई ने इस नश्वर राज्य के लिए ऐसा लज्जाजनक कार्य किया। साम्राज्य लक्ष्मी व्याभिचारिणी स्त्री के तुल्य है जो एक स्वामी को छोड़कर दूसरे स्वामी के पास चली जाती है। अनुज, मैं अपने इस कृत्य के लिए बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूं। क्षण भर के लिए अपनी लज्जा छोड़कर मेरा काम सुनो। आपसे सनी हुई जिस राज लक्ष्मी को तू अविनाशी समझता है, ये तुझे ही मुबारक हो। अब ये मेरे योग्य नहीं। अब तो मैं और त्याग के माध्यम से किस प्रकार भगवान बाहुबली स्वामी ने सभी पात्र हैं। सही बच्चों ने बहुत ही अच्छी भक्ति की। सभी बच्चे जोरदार तालियां पूरे ग्रुप के लिए। सभी बच्चे आधे दस हो जाएंगे, आधे दस हो जाएंगे और कवरेज अच्छे से कर लेंगे। आचार्य श्री के सानिध्य में सभी एक अच्छा सा फोटो ले लें। भैया आचार्य श्री के नीचे बैठ जाइए सब। आधे दस हो जाएंगे। अच्छा आते आगे नायक भैया श्री आस्तिदार से पूज कर बाबू गुरु कावे और प्रभु जाचरण शास्त्री नमोस्तु सागर जी महाराज चतुर्मास एक मिनट रुकिए किसे दीप चढ़ा दो भाई मंगल चतुर्मास की स्थापना कराने हेतु माइक दे जरा माइक दे जरा ले जी अध्यक्ष जी को माइक दो हां अध्यक्ष जो माइक दे अध्यक्ष जी पकड़ो माइक हां किधर सेवा चला रहे हैं यहां पे यार मंगल चतुर्मास की मंगल भाई सर तो भैया से चेहरा देख लो इनका ठीक है ना। इस वर्ष का चतुर्मास पूर्ण औष्ट्य प्रभावना में दिल्ली वाले करा रहे हैं और चार में तो चार बार आओगे पक्का हां चौबा लगाओगे श्रीमती जी को लेके आओगे। हाँ देखिए चतुर्मास करा रहे हैं 99% चतुर्मास मैंने दिया था लेकिन 1% रोक लिया था। पता ही चलता था कब दिमाग बदल जाए क्योंकि दिल्ली में बारिश का वादा कब नहीं है पता ही नहीं है। इसीलिए आज यहाँ उपस्थित है सीफा चला रहे हैं तो एक पूरी भावना के साथ पूरी भक्ति के साथ तैयार है। खुद भी आना है लोगों को जोड़ना भी है और इस चतुर्मास में चतुर्मास मेरा नहीं आपका होगा इस भावना का कराइए कि नहीं हमने बहुत चतुर्मास करे हैं बहुत चतुर्मास निकल गए जितनी आयु उतने चतुर्मास निकल गए लेकिन इस वर्ष हम आचार मिश्र चतुर्मास कराएंगे तो ही लेकिन साथ में अपना भी चतुर्मास करेंगे। कैसे करेंगे कैसे करेंगे धर्म की प्रभावना के साथ चतुर्मास करेंगे मुनि भक्ति के साथ चतुर्मास करेंगे इस भावना के साथ। ये श्रीफल मंजूर है ना। हाँ भाई चौका को लगाओगे पूरी भावना से चतुर्मास को भक्ति में चतुर्मास बनाइए कि लोगों याद कर रहे हाँ कि हमने पुण्य निश्चित तिथि पर चतुर्मास कराया और पुण्य निश्चित तिथि पर चतुर्मास करवाया और अपना भी चतुर्मास कर दिया। चलिए भावना आचार्य को बहुत बहुत आशीर्वाद है। Thank you.
Yeah.
आदिनाथ भगवान की, जिनके पास प्यारे प्यारे के दोनों हाथ हों तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार जय घोष कराएंगे। पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री गणाधिपति गंधर्व आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री पुण्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर नमस्तु सागर जी महाराज की जय काला गुरुदेव का। बंधु चतुर्मास स्थापना का समय और ये सौभाग्य आज दिल्ली वालों ने प्राप्त किया। चतुर्मास का मतलब होता है कि साल में जो चार महीने होते हैं, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना और कार्तिक का महीना, ये जो चार महीने होते हैं उन चार महीनों के अंदर हमें स्वाध्याय करना है, साधना करना है, तप करना है, आराधना करना है, उससे हम चतुर्मास को संपन्न करते हैं। चतुर्मास का मतलब होता है कि हमें अपने जीवन में चार कषायों को समाप्त करके, क्रोध मान माया लोभ को समाप्त करके हमें गुरु चरणों में समर्पित हो जाना है। जिस प्रकार से एक शावक और संत होते हैं और दो पहिए होते हैं गाड़ी के, और दोनों पहिए जब चलते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है, रथ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से चतुर्मास में संत और साधु का समागम होता है, संत और शावक का मिलन होता है। और चतुर्मास का मतलब होता है व्यक्ति को व्यक्तित्व को प्रदान करना, उसका नाम होता है चतुर्मास होता है। हम अपने जीवन में पूरे साल भर में जो धन कमाते हैं और चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उन चार पुरुषार्थ में सबसे पहले आचार्य भगवान ने कहा कि हमें अपने जीवन में धर्म को करना है, और अगर हम धर्म करेंगे तो अर्थ तो अपने आप ही हमारे पास आएगा। जब तक हमारा पुण्य बढ़ेगा, हम धर्म करेंगे पुण्य बढ़ेगा तो अर्थ तो हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। वह चतुर्मास के पहले वो आठ मास जब तक जो है धन को प्राप्त करते हैं, और जब धन को प्राप्त करते हैं हम जो कमाते हैं उससे हमें वैभव की प्राप्ति हो जाती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन धर्म से हमें आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। धर्म से जो होता है हमें आत्मा का विकास होता है, धर्म से जो होता है हम आत्मा का कल्याण करते हैं, आत्मा का उत्थान करते हैं, और आत्मा का उत्थान करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक हम आत्मा का उत्थान नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो है वो समय ऐसा है कि भौतिकवाद है, भौतिकवाद की भौतिकता के अंदर हम ऐसे रचे बचे होते हैं, और उसमें गुरु होते हैं जो हमें आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं, और उस दर्पण में चतुर्मास रूपी जो गुरु का जो हमें दर्पण प्राप्त होता है, उस दर्पण में हम संयम को साधना को करके आत्मा की रक्षा करना, आत्मा की साधना कर पाते हैं। और ऐसे संत जिन्हें आप देख रहे हैं, आचार्य श्री नमस्तु सागर जी महाराज जो अपनी साधना में हमेशा रत रहते हैं, उनको ज्यादा कोई भी लफड़ों झगड़ों से मतलब नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि मैं वो अपना स्वाध्याय साधना और धर्म ध्यान में आगे बढ़ना है। और मैं जब भी देखती हूँ तो वो हमेशा अपनी साधना में हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे संत का चतुर्मास कराने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ है। और चतुर्मास में कहते हैं कि मानव से मानवता को प्रदान करने के लिए संत हमें प्राप्त होते हैं, और जब संत हमें प्राप्त होते हैं तो हम अपने जीवन में अपने संस्कार को प्राप्त होते हैं, और जब संस्कार हमारे जीवन में आते हैं तो निश्चित है कि आज तो हम संतों का चतुर्मास करवा रहे हैं। एक दिन ऐसा है
कि अपना भी चातुर्मास कोई परवाह नहीं रहा। बंधु, ऐसा चातुर्मास का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें अपने तन मन धन से गुरुवार का चातुर्मास करवाना है, जिससे अपने जीवन को सफल कर सके और अपने क्रोध मान माया रोग भी चार कषायों को समाप्त करके चार आराधना को अपने जीवन में लेना है। ज्ञान दर्शन तप और चारित्र की आराधना को अपने जीवन में ला करके गुरुदेव की सेवा करना है, उसी से अपना जीवन सफल होगा। आदिनाथ भगवान की। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लेंगे। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग जोर से बोलेंगे ॐ नमः सिद्धेभ्यः। एक नाटिका आई
भरत और बाहुबली की, क्या देखा, क्या समझा उसने आपने? बच्चे देख लिए, डेथ देख लिया, थोड़े भजन देख लिए, ताली बजा दी, लेकिन उसका उद्देश्य सोचा हमने कि वो जो इतनी भव्य नाटिका, भव पात्रों के सिवा, और जिनकी नाटिका वो भव पात्र, क्या उद्देश्य था उस नाटिका का, किसी दिमाग में आया? वो नाटिका नाटिक नहीं थी, ये हमारा जीवन दर्शन था, मां समझने का फेर। वो नाटिका नाटिका नहीं थी, एक जीवन दर्शन था। किसके लिए? जीवन जीने के लिए। एक जीवन दर्शन था जीवन जीने के लिए। लेकिन आज हम तो नहीं, आप जब ऐसी कोई चीज देखते हैं तो उसको ग्रहण करने में बहुत टाइम लगाते हैं। कौन सी धार्मिक चीज? जब कोई धार्मिक चीज हम देखते हैं उसको ग्रहण करने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन अपवाद कहीं देखते हैं तो उसको ग्रहण तुरंत कर लेते हैं। अभी नाटिका का पूरा रूप पूछा जाए कि नाटिका में कैसे कैसे क्या क्या बोला गया, किसी को नहीं याद होगा, रत्ती मात्र भी याद नहीं होगा। उसमें भरत ने बाहुबली से कहा, बाहुबली ने भरत से क्या कहा, ऋषभ देव की मैना सुंदरी, ऋषभ देव की दो कन्याएं, उन्होंने क्या कहा, किसी को कुछ नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं काल का प्रभाव है, कहीं ना कहीं आपके मन की स्थिरता है। वो आंटी उठा दो, सो गई। वो आंटी वही बात है, तो यही तो है, यही तो है काय का पुण्य, काय का पुण्य यही तो है। एक ऐसा कुल, एक ऐसा परिवार, आपका भी कुल है, नाभि राय का भी कुल था। किसका? आदिनाथ के फादर का क्या नाम था? आदिनाथ के पिता का क्या नाम था? तो फादर पिता के अंदर है क्या जी? हाँ, एक ऐसा कुल जो कुल आपका भी एक कुल, नाभि राय का भी कुल था। एक ऐसा परिवार जो आपका भी है, आदिनाथ का भी था। एक ऐसा समूह जो आपका भी है, भरत और बाहुबली का भी। एक ऐसा कुल जहां, देखिए आप चिंतन कीजिए कि आपने एक नाटिका देख ली, थी इसमें चिंतन क्या किया, क्या सोचा, क्या ग्रहण किया। हर वर्ष आप आते हैं अपने समाज में चतुर्मास करते हैं, क्या बातें, महिलाएं आते हैं, माता जी आती हैं, ग्रहण क्या करते हैं? वो पंक्तियां है ना, आप कहते हैं भगवान हमें आपने क्या दिया, ये मत कहो। तो भगवान के महाराज के सामने जाओ, देव साधु सामने जाओ, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने आपको क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। क्या भगवान आपने हमें क्या दिया? बहुत कुछ दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। जैन धर्म दिया, मनुष्य योनि दी, और जैन धर्म में भी पंचम काल में जन्म हो गया, ये भी आपका कुछ पुण्य है। सप्तम काल में पैदा होते तो मुनिराज भी ना मिलते। पंचम काल में आप हुए और आपको मुनिराज के दर्शन मिल रहे हैं। उसी तरह वो कुल है नाभि राय का कुल, जहां कौन, नाभि राय दादाजी, वो भी महान पुरुष हुए, उनके पुत्र आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हुए, उनके पुत्र भरत बाहुबली, बाहुबली की कोई सप्तमस्तक तीर्थंकर, तीर्थंकर से खड़े हैं, पर कहां पे, गोमटेस बाहुबली, जहां पंचामृत अभिषेक होता है, जहां पे कोई विवाद नहीं है, स्त्री अभिषेक करेगी नहीं करेगी, गीला नल चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, सूखा नल चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, सब कुछ जो धर्म है, जो कहते हैं ना कि सम्राट चंद्र के 16 सपनों में एक सपना ये भी था, क्या आज भी इस साइड में, इस दिल्ली यूपी साइड में आधे लोग तो इसमें ही उलझे हुए हैं, ये नारियल रखा है ना, ये नारियल चढ़ाए, गीला चढ़ाए कि सूखा चढ़ाए, किसी ने सूखा नारियल डाल दिया, ओ अगर किसी ने सूखा नारियल चढ़ा दिया पक्का ये तेरा पंथी होगा, किसी ने डाक चढ़ा दिया पक्का ये 20 पंथी होगा, क्यों भाई ना,
धारणा देखी, अपनी धारणा देखी, लेकिन आचार्य सपन के 16 सपनों में एक सपन ये भी था। दिल्ली और रूपी मानो, ये तो आपका पुण्य है जो इतने तीर्थ आपको इस क्षेत्र में मिले हैं। ये आपका पुण्य है कि आपको मुनिराजों के दर्शन मिल रहे हैं। ये आपका पुण्य है कि आप अपने समाज में रहकर प्रतिदिन, कहते ना आचार्य सिंह बात कहते हैं, अगर दिल्ली और यूपी वाले अगर एक नियम ले लें कि हम मैं 50 किलोमीटर के अंदर जब तक किसी पूजा के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक कुछ भी अंजल ग्रहण नहीं करूंगा, वो नियम टूटने वाला नहीं है। क्योंकि आपके क्षेत्र के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई मुहिराज महाराज माता जी आपको मिल ही जाते हैं। चर्चा चली थी बाहुबली की, जो गोमतेज बाहुबली जो कर्नाटक किसान है आन है, वहां तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन इधर देखिए क्या कहते हैं, नारियल हाँ कोई सूखा चढ़ा दे 13 पंक्ति, गीला चढ़ा दे तो 20 पंक्ति। आज आपसे लोग से कहना है, बाकी आपकी सोच है, आप लोगों से कहना है इससे ऊपर उठो, इनसे बाहर निकलो। क्या इनसे ऊपर उठो, इनसे बाहर निकलो। नाभिराज जैसा कुल को जन्म दो, आदिनाथ जैसा परिवार बनाओ और भरत बाहुबली जैसा जीवन जीने की कला सीखो। अगर इन्हीं चक्करों में पड़े रहे तो आदिनाथ और नाभिराज जैसा कुल कभी भी अपने जीवन में आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि भरत बाहुबली का जो चर्चा चल रही है, भरत बाहुबली का भी संवाद यहाँ पर आपने देखा, जिसे देखकर के जीवन दर्शन मिलता है, जिसे देखकर जीवन जीने की कला मिलती है, जिसे देखकर जीवन को परिवर्तन करने की कला मिलती है। कभी आपने सोचा कि भरत और बाहु नाभि राय से लेकर के भरत बाहुबली तक, नाभि राय आदिनाथ भरत और बाहुबली, उनका कुल महान क्यों बन गया, उनका परिवार महान क्यों बन गया? आज आप भी उनका मुख पर नाम क्यों लेते हैं? आज क्यों कर्नाटक किसान बाहुबली खड़े हैं? तीर्थंकर तो नहीं लेकिन तीर्थंकर से पूजे जा रहे हैं। क्या तीर्थंकर तो नहीं लेकिन तीर्थंकर से पूजे जा रहे हैं? ऐसे बाहुबली कर्नाटक किसान यहाँ खड़े हैं, कोई भी जाए विषय करे वहां कुछ भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, आज शास्त्र वाक बता दूं, 13 पंक्ति 20 पंक्ति का भी इस साइड चलता है, उधर उस साइड कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राचीन शास्त्रों को उठाकर देखें, प्राचीन शास्त्र कोई, मैं बहुत छोटा हूं लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कितने बड़े आचार आज क्यों ना हैं, अगर उनसे जाकर के आप पूछें कि प्राचीन शास्त्र में क्या लिखा है, वो कभी निगार नहीं सकते हैं कि बच्चा में अभिषेक या लेडीज अभिषेक नहीं लिखा है, सब शास्त्रों में लिखा है। लेकिन कुछ विद्वानों कुछ पंडित की वजह से इस क्षेत्र में ऐसी परंपरा चली हुई है। मैं विरोध नहीं करता, जिस क्षेत्र में जो परंपरा चले चलनी चाहिए, जिस मंदिर में जो परंपरा चलनी वही चलनी चाहिए, किसी कहीं भी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मन अपने अपने केवल श्रद्धा और भाव मंदिर में लगने चाहिए। उसी तरह कौन, नाभिराय आदिनाथ भरत और बाहुबली, क्यों उनका आज बिल्कुल याद किया जाता है, क्यों आज उनकी नाटिका यहाँ पर दिखाई जाती है? क्या आप सोचते हो कि आपकी नाटिका कभी कोई मंच में दिखाई जाएगी? नहीं, आपकी नाटिका तो बस कौन सी नाटिका बताए, सास बहू की कोई दर्शन नहीं है, किसकी सास बहू की कोई दर्शन नहीं है, भाई भाई की कोई दर्शन नहीं है, बाप बेटे का कोई दर्शन नहीं है। लेकिन विवाद वहां भी था, भरत बाहुबली विवाद हुआ, लेकिन कुछ क्षण के लिए, मात्र कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो संवाद में ही बदल गया। क्योंकि उनका मन का पुण्य था, क्या पुण्य था, किस तरह उनका कुल आज भी जाना जा रहा है, सोचिए समझिएगा। तीन योग हैं, कौन कौन से तीन योग हैं, मन योग और जीजा साले बात बात करना आराम सुनो, तीन योग हैं, मन योग वचन योग और काय योग। नाभिराय से आदिनाथ, आदिनाथ से भरत बाहुबली, उनका मन का भी पुण्य था, किसका पुण्य था, उनका मन का भी पुण्य था, वचन का भी पुण्य था और काय का भी पुण्य था। इसलिए आज तक उनके कुल को याद किया जाता है। और मन का पुण्य, वचन का पुण्य, काय का पुण्य तभी व्यक्ति को मिलता है जब वो देश साथ गुरु के चरणों में समर्पित
वो जाया करता है। अभी जल्दी अष्टानिका महापर्व, कौन सा पर्व चल रहा है? अष्टानिका महापर्व, मंदिर मंदिर में शिव चक्र विधान चल रहे, पूरी पूजा पाठ हो रही है, मंत्रों को उच्चारण हो रहा है। मैना सुंदरी का नाम सुना है आपने? कौन है मैना सुंदरी? कौन है? श्रीपाल की वाइफ। कौन? श्रीपाल जी की धर्मपत्नी। धर्मपत्नी जो पति को लगाए धर्म पे, लेकिन आज कल की पत्नी जो पति की बनाए चटनी, वो है धर्मपत्नी। पंचम का लेना ये। मैना सुंदरी को देखिए, आपने कितने सिद्ध चक्र के विधान कर लिए। मैना सुंदरी कितनी बार करे याद है आपको? एक बार किया। कितनी बार किया? मात्र एक बार मैना सुंदरी ने विधान किया था। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सबने एक बार तो विधान, दो बार तो किया ही होगा, तीन बार तो किया ही होगा। लेकिन मैना सुंदरी के विधान करने में क्या अंतर था, आपके विधान करने में क्या अंतर है, कभी आपने विचार किया? आपने इतने विधान कर लिए, एक काम करना जरा सा, यहाँ पे दे रहा हूँ आपकी भक्ति का ही, जरा सा भी चोट लग जाए, कट लग जाए, विधान करने बैठ जाना। विधान में कभी नहीं है क्या? शिक्षक विधान वो बहुत ही अच्छे कार्य विधान है। पूरी बात सुना नहीं, बाहर जाकर कहो उल्लो जी, सुंदर तो आते हैं, बाहर जाकर कुछ कहते हैं उल्लो जी महाराज ने तो शिक्षक विधान कर दिया, बोले कुछ होता ही नहीं है। पूरी बात सुनिएगा, एक आप भी विधान करते हैं, एक मैना सुंदरी ने भी विधान किया था चक्र विधान। कितने योग होते हैं? कितने? मन योग, वचन योग और काय योग। एक योग और भी होता है, अभी भी याद आया, एक योग और भी होता है, वर्षा योग। कौन सा योग? वर्षा योग, जिसमें तीनों योग अगर सम्मिलित हो जाए तो आपके जीवन को कोई भी सुख शांति से रोक नहीं सकता है। कौन सी बात कह रहा था मैं भी? क्या? मैना सुंदरी। ध्यान से कोई तो ध्यान तो सुन रहा है। यहां मैना सुंदरी जिन्होंने बहुत विधान, जिन्होंने मात्र एक विधान किया, चित चक्र महामंडल का विधान किया, और विधान पहले विधान में ही चमत्कार हो गया, श्रीपाल जी का कुष्ठ रोग दूर हो गया। आपने कितने विधान कर लिए, कितनी पूजा पाठ कर ली, तब भी कहते महाराज काम नहीं हो पाता मेरा, महाराज जी काम नहीं बना। कहीं ना कहीं आप सोचिए, भगवान वही है। लोग कहते हैं ना पंचम काल है, महाराज हैं, बहुत लोग कहते हैं पंचम महाराज होते ही नहीं है, जो हैं तो ऐसे ही हैं। आज भी महाराज वही है, पीछे वही है, कमंडल वही है, चरिया भी वही है। एक टाइम खाते हैं, दो टाइम को खाते हैं नहीं क्या? कितना खाते हैं? एक टाइम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, केश दोष करते हैं, पद विहार करते हैं, पीछी रखते हैं, कमंडल रखते हैं, शास्त्र रखते हैं, चर्या वही है। कभी आइए तो आज की सावक में आइए। कहीं ना कहीं आप सोचिए, कहीं ना कहीं विचार कीजिए, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में ही आई को धारण आपको दे रहा हूं। लोग यहाँ बहुत सारे लोग मन में प्रसन्न होगा, बहुत लोगों के मन में प्रसन्न होगा कि महाराज पूर्ण स्थिति का पंच कैनाडा खो गया, आपने विहार नहीं किया, यहाँ पे यही जम गए क्या? तो ये फैमिली को तो हो नहीं कंपनी का, कौन सी यही जम जाऊंगा। हाँ लेकिन श्रद्धा जुड़े फैमिली को जैसी मेरी अचार श्री से, कहीं ना कहीं कहते ना कि बहुत लोग कहते महाराज गाड़ी रखते हैं, चौकी व्यवस्था साथ में रखते हैं, क्यों रखनी पड़ी चौकी को व्यवस्था साथ में? कहीं ना कहीं आपकी भी मन वचन काय की कमी है। लोग कहते हमारे यही रहोगे, तो मैं तो आज क्लियर कहता हूं भैया हमारा काम है विहार करने का और आपका काम है विहार करवाने का। अगर आप विहार कर रहे हैं तो आज विहार करेंगे ही, क्योंकि धर्म का रथ मात्र मुही राह से भी चलता हूं क्या? अगर आप परिवार में भी रहते हैं क्या, परिवार में भी रहते हैं, धर्म पत्नी और पति का रिश्ता अगर दोनों का ही, दोनों की सूझबूझ परिवार के लिए अच्छी भूमिका बनी हुई है, तो परिवार की सभी शुभ रेखाएं अपने आप बढ़िया चलती हैं। उसी प्रकार से धर्म की भी एक रथ है, जहां शावक एक पहिया है तो दूसरा पहिया दिगंबर संत है। एक पहिया भी निकल गया तो
रथ तो टेढ़ा ही होना चल नहीं पानी। उसी दिन मैंने सुंदरी ने पहली बार विधान किया, पहली बार में चमत्कार हो गया। मात्र उसका यही कारण था, आपने बहुत विधान किए और अपने जीवन में फिर एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। क्योंकि नमोस्तु सागर प्रैक्टिकल बोलते हैं, 5 साल में यहाँ प्रैक्टिकल बहुत सब कुछ हो गया, हवा में नहीं बोलते, कम बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल ही बोलते हैं। अपने जीवन प्रैक्टिकल करके देखना। जिस तरह मैना सुंदरी ने अपना मन योग किसके चरणों में, सिद्ध भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपना वचन योग किसके चरणों में, सिद्ध प्रभु की आराधना में समर्पित कर दिया, इतना भी आकर के उसके चमत्कार को रोक नहीं सकते। और आज मैं आपसे बात कह रहा हूं कि अगर आप सोचते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कमी है, वो चमत्कार नहीं हो रहा। अगर आप सिद्ध चक्र का विधान कर रहे हैं, किसी मंत्र की जाप कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज मंत्र का जाप दे दो, मेरा देने काम करने का काम आपका है। जिस तरह आपके तीनों योग प्रभु के चरणों में सम्मिलित होंगे, उस तरह आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। उसी तरह मैना सुंदरी ने अपने जीवन में तीनों योग सम्मिलित कर दिए, तो उनके जीवन में चमत्कार घटित हो गया। अगर आप पंडमान लोग ग्रंथों के अगर उदाहरण उठाएं, कथा उठाएं, तो आपको एक से एक उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आचार्य मांगतुम का उदाहरण आपको पहले भी दिया, आपको याद होगा, जिस तरह राजा भोज ने 48 तालों के अंदर किसको कैद कर दिया, आचार्य मांगतुम को कैद कर दिया। अगर आपको इसी हॉल के अंदर, कांच के हॉल के अंदर अगर कैद कर दिया जाए, थर 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 थर, लेकिन पुण्य अगर होगा, आपका मन वचन का योग होगा, पुण्य स्लिप कोई भी नहीं होगा, तभी वो ताला खुल जाएगा। जिस तरह आदिनाथ की भक्ति करके आचार्य मांगतुम के 48 ताले खुल गए। तो आपसे इसके तीन योगों में, चौथे वर्षा योग में यही कहूंगा, जिस तरह नाभि राय ने, जिस तरह आदिनाथ भगवान ने, जिस तरह भरत बाहुबली ने, जिस तरह मैना सुंदरी ने और जिस तरह आचार्य मांगतुम ने अपने मन योग, वचन योग और काय योग के कार्य करके, फालतू बातों में ना पढ़ के किसके मंदिर में जाते हैं। पहले सास बहु की बातें होती थी मंदिर में, उसकी साड़ी ऐसी हो, वो चेन पुराना हो गया, अपने कहता हूँ कि मंदिर में जाते हैं कि वहाँ मंदिर में गई महिलाएं पुरुष गए, तेरा बेटा कैसा है, तेरी बहू कैसी है, महिला ने तेरी बहू कैसी है, तेरी पत्नी कैसी है, फलाना कैसा है, अब वो तो प्रेम खत्म हो गया, अब नया ट्रेंड निकला है। तो पता है तुझे वो महाराज एसी में बैठते हैं, पता है तुझे वो महाराज तो बड़ा फल खाते हैं, तरबूज खाते हैं, पता है तुम्हें वो महाराज तो विहारी नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं। अरे इन सब बातों से ऊपर निकलो, इन सब बातों को छोड़ो, अपने एकम जानम सर्वस्व जानम, भगवान महावीर का क्या संदेश, भगवान महावीर ने तो भगवान महावीर स्वामी के नामकरण करने के लिए राजा सिद्धार्थ ने पंडित को बुलाया और पंडित ने भगवान महावीर का बेटा बोलो एक, उसने बोला एक, बेटा बोलो दो, भगवान महावीर स्वामी चुप हो गए, बेटा बोलो तीन, भगवान महावीर स्वामी चुप हो गए। अगर आज की जनरेशन होती, बोलो बेटा एक, बोला पंडित जी दो, पंडित बोले तीन, वो बोलता चार। लेकिन भगवान महावीर का उद्देश्य देखिए, भगवान महावीर से कहा बेटा बोलो एक, उन्होंने क्या बात कही, एकम जानम, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, वो ही परमात्मा बन गया। तो आप सबसे यही कहूंगा आज कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा का मार्ग वही है। क्योंकि जीवन में अगर आपने अपने आप को जान लिया, तो सबको ही जान लिया, जिससे 24 तीर्थंकरों ने क्षेत्र को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना, मात्र अपने आप को ही जाना, तो आप पूरा विश्व, पूरा जगत, तीनों लोक में वो जाने जाते हैं। तो आपसे ये कहूंगा, क्योंकि जिस तरह नाभि राय ने, जिस तरह भरत बाहुबली ने, जिस तरह आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन को एक आदर्श दे दिया, तो आप भी इन तीन योग से और आपके पुण्य से जो वर्षा योग आपको मिला है, आज आप यहाँ पर आए, यहाँ से चले जाएंगे आपके नगर में, वहां पे बौद्ध चतुर्मास से मंदिर भी है, तो वहां पे जाकर के अपने मन का, वचन का, काय का सही उपयोग कर लेना। संजय भाई उठा दो, सही उपयोग कर लेना, क्योंकि वो सही उपयोग चंद्रमा ही लगा तो मेरी आंखें बहुत तेज है,
ठीक है, क्योंकि 75 कैमरे लग रहे हैं यहाँ पे कोई पुलिस स्थिति में, क्योंकि अगर आपने सही उपयोग अपनी उसे किसका कर लिया, मन का, वचन का, काय का सही उपयोग कर लिया, तो समझना आपने अपने जीवन को ही समझ लिया। और वर्षा योग में कहते हैं ना, हर चीज का एक समय आता है। क्या अगर आप व्यापारी भी है ना, तो आपके माल बिकने का एक पिकअप टाइम आता है, कौन सा, दिवाली का टाइम, कैसा ही मान लो पूरा कचरा सब निकल जाता है इसमें। उसी तरह एक वर्षा योग भी है, ये आपका पिकअप टाइम है किसका, मन से, वचन से, काय से पुण्य कमाने का। बोले साल आप पुण्य कमाए ना कमाए, लेकिन अगर इस चार माह में आपने पुण्य कमा लिया, चार माह की कमाई आठ माह बैठ कर आराम से घर पर, अब ये नहीं कि चार माह आप तो पुण्य किया आठ माह तो पापी पाप करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक है, अपनी लेवल बना के रखिए। तो आपसे अंत में यही कहूंगा, जिस तरह आप यहाँ पर आए और अपनी जीवन में सदैव इसी तरह इन तीन योग को याद रखना, मुझे दोबारा याद कर दिलाना पड़ेगा, मन योग, वचन योग और काय योग। क्योंकि अगर आप दूसरों के जीवन से जीवन दर्शन, क्योंकि एक बात और भी कहूंगा, दूसरों को देखकर उनके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो ग्रहण करो। क्या दूसरों को देखकर परमात्मा ने हृदय एक दिया है, दो हृदय नहीं, हृदय एक दिया है। वो हृदय एक इसलिए दिया है कि उस हृदय में अच्छी बातें ग्रहण करो, अच्छी बातें को सम्मिलित करो। किसकी तरह, मैना सुंदरी अचार मानतु की तरह भक्ति करो। तो आपसे भी अंत में यही कहूंगा कि ये वर्षा योग आपके लिए मैना सुंदरी की तरह साबित हो, ये वर्षा योग आपके लिए आपके जीवन में सुख समृद्धि की तरह साबित हो, ये वर्षा योग आपके लिए मोक्ष का कारण बने, ये वर्षा योग आपके लिए मन वचन काय के साथ भरत बाहुबली जैसा जीवन आपको प्रदान करे। शरद तो सबसे ऐसे ही ला रहे हैं कि अभी जो है होता ना दिवाली पे गुड्डा आता था स्प्रिंग वाला, जरा सा टक कर चलता है ऐसे। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको सबके क्यों शरीर ने बाहर जाते सबके सब वही गंगा जमुना सरस्वती चलती सबका मिलाप एक साथ। क्या सबका मिलाप एक साथ, यहाँ सबको बैठने पे अच्छा लग रहा है, बात अच्छी लग रही है, बाहर जाके अर्थ का अनर्थ भी होता है। अरे उमरा तो ऐसा कह रहे थे, बहुत सारे लोग आते हैं मिर्च मसाला तेल में, अच्छी बातें ग्रहण नहीं करेंगे, पंचगणा में घटना ऐसी घटती है, घटना घटती रहती है, क्योंकि जहां भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर वहां घटना घटती रहती पुनीत भाई, क्योंकि उत्सव विजेता तीर्थ होते हैं सारे। पंचगणा पूरा पंचगणा हो गया, इस बात को स्पष्ट कर दूं, पंचगणा पर पहली बार बैठना हुआ है, पंचगणा बहुत अच्छा ऐतिहासिक पंचगणा हो गया, इस क्षेत्र का ऐतिहासिक पंचगणा, आप सभी लोग साक्षी बने उसके। किसी महान भाव ने वीडियो बनाई, किसकी वीडियो बनाई, पैंट शर्ट में अभिषेक चल रहा है, कौन सा अभिषेक चल रहा है, सबके मन में धारणा है, कहता कोई नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं भी देखता हूं, लेकिन चर्चा चल रही है। आपके मन का भाव किधर होना चाहिए, आपके मन की बात किधर होनी चाहिए, पैंट शर्ट में अभिषेक चल रहा है, अर्थ का अनर्थ मत करना कभी, पुण्य नहीं कमा सकते तो पाप मत कमाओ। क्या पुण्य नहीं कमा सकते तो पाप मत कमाओ। वो जन्माभिषेक चल रहा था, कौन सा चल रहा था, भगवान भगवान उस टाइम नहीं थे, मूर्ति उस टाइम प्रतिष्ठित नहीं हुई थी, तीन लोग के नाथ उस टाइम नहीं बने थे। जिस तरह भरत चक्रवर्ती जिस तरह सौदर इंद्र हाथी में लेके बैठता है, वो एक 75 साल का व्यक्ति, अपना भी तो दिमाग होता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पागलों वाले हरकत करना शुरू कर दो, क्या कर दोगे, क्या नहीं करोगे ना, ये भक्त होगा भक्ति होगा कर भी देगा, महाराज ने कहा है, कहा करूंगा करूंगा मैं तो, लेकिन अपना भी दिमाग होता है। वो 75 साल का व्यक्ति अगर अभिषेक कर रहा है तो गलत, अपना दिमाग का तो यूज कर सकता है वो, लेकिन वो गलत नहीं है। अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखें तो उससे आगे क्योंकि काय का पाप, किसका काय का पाप, वचन का पाप और किसका मन का पाप, काय का पुण्य, वचन का पुण्य और काय का मन का पुण्य, तो बहुत बढ़िया जानती हूँ, तीनों पुण्य है तो तीनों पाप भी है। अगर व्हाट्सएप पे कुछ आए ना, व्हाट्सएप चलाते ये जितने बैठे हैं ना, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति कुछ आए ना आए दिख ना रहा हो, ये चलती उंगलियां, उस उंगली से काय का पाप कमा रहे हो, ध्यान रखना आज।
जितनी भी ये साधन बढ़ते जा रहे हैं ना, आपके लिए पाप पे बैंक बैलेंस तैयार हो रही है। जो आज आप कहते हैं ना, इतना कर रहे हैं तब भी हमें कोई दक्ष नहीं मिलना, कोई फल नहीं मिलना, कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हो। इस उंगली को संभाल के रखो सोशल मीडिया पे जरा अच्छे से, क्योंकि गाय का पाप कमा रहे हो अच्छे से आप। उंगली तो गिला रहे हो कहते ना, बाद में कहते कहता भैया तुमने क्या क्या डाल दिया है, मुझे पता ही था, मैं तो आगे बढ़ा दी। समझो, गाय का पाप कमा रहे हो, और मन किसी को बोल नहीं, किसी को बोल रहे हो तो मन का पाप कमा रहे हो। वचन कभी भी देव शास्त्र की निंदा मत करना मुख से, कोई निंदा करोगे आप कहीं पाप का बंध होगा। तो आपसे इतना ही कहूंगा अंतंत्र में कि आप जो तीनों योग मिले हैं उनका सही उपयोग करें, और जो तीनों योग मिले हैं आने घटना और बताना भूल गया मैं, हाँ जैसे कि खुदाए पर चिल्लाना की सही चीज लीजिए, और जिस व्यक्ति ने बताया कितना पाप कमाया उसने, और कितने पाप कमाने में वो निमित्त बना लोगों के, ये देखिए आप। जैसे जिस तरह एक पुण्य का निमित्त बनता है, मान लो अच्छे भाई ने किसी का आयोजन यहाँ पर किया है तो पुण्य का निमित्त बनने है, अगर वही वो चीज गलत करे तो पाप के भी निमित्त वही बनेगी। उसी तरह व्यक्ति आप पूरी पुण्यस्थली घूम लिया, पूरी पुण्यस्थली घूम लिया, पूरी अच्छाइयां नहीं दिखी सुखी की, साफ सुथरी है, आप लोग आए पुण्यस्थली कैसा लगा आपको? अरे बोल तो हाँ, एक टाइम खाते तकते मदेज बोलना, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच टाइम खाते तब आवाज नहीं निकलती मुख से, पूरी पुण्यस्थली घूम लिया। पीछे क्या थोड़ा सा हो सकता है वर्कर छुट्टी पे हो गया, फिर थोड़ा गंदा पड़ा होगा तो उसकी व्हाट्सएप वीडियो बना पाए, देखो देखो फेसबुक पे ऑनलाइन कितना गंदा है, वही जीत हो गया। अरे कहाँ मानसिकता लेके जाओगे अपनी, क्यों पुण्य पाप कमा रहे हो? पंचम काल वैसे ही पैदा हुए हो, और पंचम काल में आपके तीव्र पुण्य होता है तब आप कहीं जाके किसी तीर्थ या मंदिर में पैर रख पाते हो। ये आपके जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका किसका पुण्य? गाय का पुण्य है, वचन का पुण्य कहूंगा मैं, मन का पुण्य भी नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा पता? क्यों कहूंगा? पता पता आपके मन में क्या चल रहा होता है, मैं बोल तो जरूर रहा हूँ, क्या पता आप क्या संकलित परिणाम रख के मेरी बात सुन रहे हो। ऐसा तो नहीं सब अच्छे हैं यहाँ पे, सब अच्छे हैं, साथ चल रहे हैं, सब भक्त हैं, लेकिन ये बात बता रहा हूँ, क्या पता आपके मन में क्या चल रहा हो। आप बैठे थे हो कैसे, क्या पता पैर से यूं यूं चल दरी को मसल रहे, कितने चीज की हत्या कर रहे हो। ये गाय का पुण्य है कि आप घर से निकल के इस तीर्थ तक पहुंच गए। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं वहां उस चीनी पैर रखते हैं तो सोचिए कहीं ना कहीं आपका गाय का पुण्य हुआ कि आपकी वो गाय मंदिर तक पहुंच गई। अगर आपके मुख से ओम निश्चय निकल जाता है तो समझना कहीं ना कहीं आपके उस मुख का वचन का पुण्य तीव्र हो गया है। वो मंदिर में जाकर के आपका मन प्रभु भक्ति में डूब जाता है, संसार के विकल्प नहीं आते हैं, तो सोचना कहीं ना कहीं मन का पुण्य भी आपके साथ चल रहा है। और तीनों पुण्य जब साथ चलते हैं तो अपने आप ही चमत्कार होते हैं। तो आप सभी लोग आए तो इन तीनों पुण्य को आप संभाल के रखिए, और तीनों पाप से इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। और ये भावना भावना भगवान से, आदिनाथ भगवान से, जिस तरह उनके पिता महान हुए, जिस तरह उनके पुत्र महान हुए, उसी तरह इस वर्षा योग में जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनके पिता भी महान हो, उनके पुत्र भी महान हो, और ये सब खुद स्वयं भी महान बने। और एक दिन जिस तरह आज मेरी ये वाणी को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, एक दिन इनका समोचरण सुन लगे मैं भी इनकी वाणी का श्रवण कर सकूं। क्योंकि सुनता हूँ ऐसे तो आपका समोचरण, मैं नहीं वैसे सुनता हूँ कमरे बातें, बहुत से लोग आते हैं अलग बातें बहुत सुनता हूँ, लेकिन वो पाप कहेंगे। लेकिन भगवान से इतनी विनती करूंगा कि आपका पुण्य सात से पुण्य में बदले, इसी तरह सदैव आप प्रभु की भक्ति, देश साथ गुरु की भक्ति करते रहे, सदैव आपको भगवान सभी तीनों पाप से दूर रखे, सदैव आपका मन प्रभु भक्ति में लगा रहे। और जितने लोग यहाँ पर आए सदैव इसी तरह यहाँ पर आते रहिएगा, क्योंकि क्या, क्योंकि बुलावा उसी को आता है जिन्हें भगवान पारसनाथ याद करता है। बुलावा उसी का आता है जिन्हें भगवान पारसनाथ याद करता है, तो जिन्हें पारसनाथ याद करता है तो वो पुण्यवान जीव होता है। तो आइए आज के यहाँ पे चतुर्मास स्थापना का प्रोग्राम था, वर्षा योग कल से स्टार्ट हो जाएगा, 13 तारीख है, आज त्रयोदशी है, कल 14 से, 14 से चतुर्मास स्टार्ट होता है, लेकिन संडे को देख करके प्रोग्राम रखा गया। आज कोई भी धार्मिक यानी कि जो महिला की स्वयं की क्रिया होती है वो सब सारी क्रिया कल होगी, लेकिन सामाजिक जो क्रिया होती है वो आज हो चुकी है। तो आइए आज चतुर्मास की स्थापना का प्रोग्राम
16 तारीख को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा, ऊपरी मंदिर में किया जाएगा। तो आप सकते गुरु पूर्णिमा महान पावन पर्व, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है, और जिसके जीवन में गुरु है उसका फिर कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी दीदी से दो दिन पहले चर्चा चल रही थी, दीदी ऐसी चर्चा चल रही, भाई सारे ग्रह सभी खराब हो, एक ग्रह कौन अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, एक ही बात निकल के आई, जिसके कुंडली में क्या सारे ग्रह कितने भी खराब हो लेकिन गुरु ग्रह मजबूत है तो राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई ग्रह शनि ग्रह हो, चाहे राहु ग्रह हो, चाहे केतु कोई ग्रह हो, लेकिन जिसका गुरु ग्रह मजबूत है उसका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए अपने गुरु चरणों में अपने गुरु भक्ति बना के रखिए, उससे आपका गुरु अपने आप गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा, सभी काम अपने आप स्वयं बनते चले जाएंगे। और एक विशेष तारीख आप याद रखिएगा, जी हाँ 15 सितंबर, जी हाँ 15 सितंबर को, जैसे तो 3 सितंबर को चार भगवान का जन्म जयंती का प्रोग्राम होता है, क्योंकि उस दिन वो इस संसार में आए थे और आकर के अपने जीवन को महान बना करके दिगंबर मार्ग पर चल करके समाधि मरण करके अपने जीवन को महान बनाया। तो आइए 15 सितंबर को आचार्य गुरुदेव पुण्य सागर महाराज की 46वीं कौन सी 46 जी हाँ 46 46वीं जन्म जयंती का भव्य प्रोग्राम इसी प्रांगण में यहाँ पर होगा। और साथ ही जो भी उपास 10 लक्षण के महा जो भी 10 लक्षण के उपास करते हैं, अगर 5 उपास करते हैं, 5 से अधिक उपास करते हैं, तो 15 सितंबर अवश्य यहाँ पर आए, उनका विशेष सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। पुण्य मस्तु प्रभावना मंच दिल्ली की कमेटी द्वारा एक विशेष सम्मान उनका यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही आज इस युग की माँ पद्मावती कौन, लोग कहते हैं कि माँ पद्मावती पूछते हो तो पाप कमा रहे हो, तुमसे बहुत ऊपर है वो, आज समय में देखा जाए। मानते हैं कि आपके अंदर संयम लेने की शक्ति, मानते हैं आपके अंदर व्रत लेने की शक्ति है, आप उनसे ऊपर कहीं कहीं ना कहीं आप अभी तो उनसे ही उनकी ऐसे नहीं हो, क्योंकि वो एक समय दृष्टि देवी देवता है। भगवान के यक्ष यक्षिणी कभी मिथ्या नहीं होते, अगर वो मिथ्या होंगे तो भगवान के यक्ष यक्षिणी नहीं बन सकेंगे। और भगवान की यक्ष यक्षिणी भगवान पार्वतीनाथ की माँ पद्मावती तो यहाँ पर विशाल आराधना एक जागरण रखा जाएगा, जी हाँ उसका समय रहेगा उस दिन का प्रोग्राम का दोपहर में 11 बजे से शाम 4 बजे तक, यहाँ पे आचार्य श्री जन्म जयंती मनाई जाएगी। और जो इस पंचम काल में 10 दिन के उपास, 5 दिन के उपास, 6 दिन के उपास करेंगे उनकी अनुमोदना सभी लोग यहाँ करेंगे, हम भी उपास करके उनका सम्मान किया जाएगा। और साथ ही माँ पद्मावती की विशाल आराधना यहाँ पर की जाएगी। सभी अपनी, कोई माँ को बुरा नहीं कहता, माँ कैसी भी हो बच्चा बच्चे ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए अगर आप पद्मावती को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, मोस्ट वेलकम, नहीं मानते हैं तो कभी गलत भी मत कहना, मुंह भी मत फेरना। माँ है, जहां माँ आ जाए तो सब कुछ झुक जाया करता है। तो आइए 15 सितंबर को उस भव्य प्रोग्राम में आप सभी आज यहाँ पर आए, तहे दिल से दोनों हाथों से मेरा बहुत बहुत सभी गुरु भक्तों को, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि सदैव इसी तरह आप प्रभु की भक्ति करते रहे, प्रभु की अर्चना करते रहे, और प्रभु भी आपके जीवन में सदैव अपनी कृपा बनाकर रखे। ओम नमः, सब कुछ नमः, सब कुछ ओम। भैया पुरस्कार वहीं पे पहुंच जाएगा जिसका निकलेगा। चलिए गुड़िया था, गुड़िया छोटा बच्चा आएगा यहाँ पे, वो नन्नी मुन्नी गुड़िया जिसने भजन सुनाया था, पार्की पार्की आओ इस आओ बच्चों को, आगे आगे वो आगे पार्की गुड़िया आगे जिसने भजन की पंक्तियां सुनाई। यहाँ पर ऊपर निकाले जाए भैया, अच्छे से हिला लीजिए, पार्की जैन आएंगे यहाँ पर एक ऊपर आगे जी आगे आइए, यहाँ पर एक ऊपर निकालेंगे, आइए लाओ भैया, और आइए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए लकी नंबर है। और आइए यहाँ पर एक ऊपर आया है, मैं बता रहा हूँ आपको, बता दो क्या कहो तो कह दू, कहो तो कह दू, बता दू जी हाँ, ये नंबर है अपने अपने ऊपर में देखिए, ऐसे किताब हो जाते हैं लेकर के, मतलब पता नहीं कौन सी लॉटरी निकल गई। जी हाँ मैं बता दू आपको, यहाँ नंबर है 7, हमारो आपका साथ है इस दुमा की स्थापना में, तो प्यारा नंबर 7 ही आया है 7। अरे रुको थाली में पीटो अंकल, पहले पूरा सुन तो लो, 7 7 4 1 741 7 4 1 किस किसके आपके पास है क्या
भाई वाह क्या बात है, चौदह पलिया। आपका नाम? डिंपल जैन, सोनू जैन, सकरपुर दिल्ली। अपना एड्रेस नाम लिखवा दीजिए यहाँ पर। ये लिखा है सर, चतुर्मास निष्ठापन पे एक आपको कलम दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? उस दिन आपको आना है, ठीक है ना? चलिए, सब कुछ लिखा हुआ है आपका जो है। सुनिए, अगर उस दिन आप आएंगे तो आपको कलम दिया जाएगा, चतुर निष्ठापन इस नंबर आपको सूचना दे दी जाएगी। चलिए चलेगा। नेक्स्ट लक्की ड्रो, सेकंड लक्की ड्रो। जी हाँ, ये भी साथ, आज आपका हमारा साथ अच्छा बना हुआ है। जी हाँ, ये भी साथ, सेवन एट शून्य जीरो 780। क्या बात है भाई, कहाँ से आए सारे तुम, कहाँ से आए हो? सकलपुर वाले हैं जी, ये तो सकल लेकर आए आज मेरी बेटी। लाइए नहीं है, है नाम एड्रेस बुला के कीजिए, नंबर चेक करो, नंबर नंबर चेक, एक बार नंबर दे दीजिए आप भैया। चलिए लालू, ठीक है जी, 780 हो गए, अपना नाम पता लिख कर दे दीजिए, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो इनके लिए। अंतिम लकी ड्रो, ये बात सुनो, अगर इनके लिए ताली बजाओगे तो अगर आपका निकला तो ताली बजाएंगे आपके लिए? अजी ने पता ना, तीन ही निकलने, दो निकल चुके हैं, रह रहा है इसलिए नहीं बजा रहे, ज्यादा होते तो हो सके बजा भी देते। और मैं आपको बता दूं, हां चलिए लास्ट कूपन ले लाइए। ये लास्ट कूपन है मेरे पास, 15 सितंबर को जरूर आना। कब? उस दिन तीन नहीं 40 कूपन निकाले हैं और बम्पर इनाम रखे जाएंगे। कितने? 40वां बम्पर इनाम वहां पर रखा जाएगा और 40 कूपन उस दिन निकाले जाएंगे। तो आप जरूर आइए, आप तीन निकालेंगे उस दिन 40 निकाले, क्यों? क्योंकि भगवान 40वां जन्म जयंती, 40 कूपन निकाले जाएंगे उस दिन, कूपन आपको फिर से दोबारा मिलेंगे। ये कूपन आइएगा, तीसरे लक्की ड्रॉ की घोषणा करें, उससे पूर्व महाआरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, और आइए मैं आपको बता रहा हूँ इस कूपन का नंबर, बता दूं जी हाँ, इस कूपन का नंबर है 5 7। सब में आया है, इसमें पैदों में पहले आ गए, इसमें लास्ट में आ रहा है, क्योंकि आपका साथ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, हम साथ साथ हैं। वाह, चलिए 5 4 7 547। आगे मैंने बोले बच्चे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है, कहाँ से आए भैया? मोबाइल किसका है भैया? क्या नाम है आपका? लाइए पहले वाला, आइए पहले वाला ना, दूसरे वाले से। माधवपुरम से हैं भव्य जी, अभी नाम पता लिख कर दे देंगे। नाम पता भव्य जी, एक बार जोरदार तालियां इस भैया के लिए। देखिएगा जाने वालों से अनुरोध है, उन्हें अपने अपने Thank you.
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।